लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। देश बॉर्डर का किंग कहलाता है, स्मगलर किंग। ये तीन बार जेल तोड़कर भागा है और पिछली बार पुलिस की हिरासत से हवा हो गया था। योर ऑनर, जिसे स्मगलिंग किंग पिन कहा जा रहा है, वो एक एक्स सर्विसमैन है जो इंडो चाइना वॉर में लड़ा और अपने देश की रक्षा करते करते ना जाने इसने कितनी गोलियां खाई, जिसके निशान अब तक इसके बदन पर मौजूद है। प्रोसिक्यूशन इनके खिलाफ कोई इल्जाम साबित नहीं कर सकी, इसलिए अदालत इन्हें बाइज्जत रिहा करती। जैसे क्रिमिनल कुछ भी कर सकते, स्मगलिंग से लेकर ट्रेन डकैती और कत्ल तक मुल्जिम अली जा के संगीन जुर्मों को सुनकर अदालत हिल जाएगी। चिदम्बरम का यह पहला केस नहीं है। पिछले दो वर्षों में जितनी भी ट्रेन रॉबरी मुसाफिरों के कत्ल हुए हैं, उसका जिम्मेदार ये खूंखार आदमी। हाय, सब इंजाम ठीक है? फर्स्ट क्लास। जहाज को हमने नजदीक बुला लिया है, सिर्फ 10 मील दूर है। लड़कियों को बाहर निकालो। बॉयज हरे आप, हरे आप, चलो बोट में बैठ जाओ। बोट में? हाँ। हमें कहाँ ले जाया जा रहा है? अरे तुमको भी उसी जन्नत में भेज रहा हूँ जहाँ तुम्हारी सहेलियाँ ऐश कर रही हैं। तुम भी अपने ससुराल जाकर अपने अपने हस्बैंड के साथ खूब मजे करो। ससुराल? हस्बैंड? नहीं नहीं, हमें कहीं नहीं जाना। अरे कमान चले आएंगे, हाँ आप भी जाएंगे, नहीं जाएंगे। पुलिस आ रही है, अब क्या होगा? तुम वैन लेकर निकल जाओ, लड़के को मैं संभाल लूंगा। सी यू गार्ड्स, तुम बोट लेकर फौरन निकल जाओ। कम ऑन, हरी अप, मूव, चलो कम ऑन फास्ट। गार्ड्स, पुलिस के सामने किसी जबान खोली तो मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। जैसे से मैं बोलूं वैसे वैसे बोलना। संदीप, क्या हंगामा हो रहा है? हंगामा? कौन सा हंगामा? अरे हम तो यहाँ पे हवा खाने आए हैं, पूछ लीजिए। क्या ये ठीक बोल रहा है? क्या ये सच कह रहा है? रामजादे, लड़कियों का व्यापार करता है और कहता है कि हवा खाने आया था। हवा तो मैं तुझे खिलाऊंगा हवालात में, ले चले सेंडर। आओ बैठो, चलो। खत्म हो गया मल्होत्रा साहब। क्या बोले तुम जी? वो परेरा और वो लड़कियां थी ना? क्या? एंड मौके पर पुलिस आ गई और परेरा अरेस्ट हो गया और लड़कियां वो भी पकड़ी गई। ओह माय गॉड, ये तो खत्म हो गया। अब तो मेरे महाराष्ट्र की पोल खुल जाएगी। क्यों, ठीक बोला ना मिर्चंदानी? 100% खुल जाएगी। गगन, और तुम भी परेशान मत हो मिर्चंदानी, चुटकी बजाते ही सारा काम ठीक हो जाएगा। हेलो मल्होत्रा,
क्यों भाई? कैसे याद किया? परेरा पकड़ा क्या? दो चार दिन हवालात में रहेगा तो क्या फर्क पड़ता, उसके लिए कौन सी नई जगह है? हाँ कल पेपर भेज देना, छुड़ा दूंगा, कह जो दिया हो जाएगा। हाँ बाय। योर ऑनर, पुलिस की तहकीकात और मालूमात के बिना पर यह कहा जा सकता है कि गगन बिहारी महिला आश्रम हमारे मुल्क के महिला आश्रमों के नाम पर काला धब्बा। असल में यह महिला आश्रम वो अड्डा है, यह औरतों को व्यापार किया जाता है और इस महिला आश्रम के चीफ ट्रस्टी हैं श्री गगन बिहारी लाल। और यह बात यकीनन कही जा सकती है कि लड़कियों को फ्लश ट्रेडिंग के लिए भेजने में इनका भी हाथ है। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर, यह सरासर झूठ है। गगन बिहारी लाल जैसे समाज सेवक और ईमानदार इंसान पर बेबुनियाद इल्जाम लगाए जा रहे हैं और इन बातों का इस केस से कोई ताल्लुक नहीं है। सवाल वो पूछे जाएं जो इस केस से ताल्लुक रखे। ओके बैरिस्टर जयंत, ओके। श्री गगन बिहारी लाल, क्या बताएंगे कि आपके आश्रम की लड़कियों को समंदर के किनारे क्यों भेजा गया था? समुंदर के किनारे क्यों भेजा गया था? आप भी कमाल करते हैं वकील साहब, सिर्फ आप ही नहीं जानते लेकिन सारी दुनिया जानती है कि मैं औरतों की कितनी इज्जत करता हूँ। इन बदनसीब बच्चियों की सेवा के लिए ही तो मैं ये महिला आश्रम चलाता हूँ। ये खुश रहे इसलिए महीने में दो बार इन्हें इस महिला आश्रम की चार दीवारी से बाहर निकालकर पिकनिक पर भेजता हूँ। समुंदर के किनारे ये बच्चियां पिकनिक पर गई थी हजूर। पिकनिक तो बहाना था गगन बिहारी लाल, क्या ये सच नहीं कि इन्हें हिंदुस्तान से बाहर भेजने के लिए समंदर के किनारे भेजा गया था? जी जी जी। आई अगेन ऑब्जेक्ट योर ऑनर टू सच रिलेवेंट क्वेश्चंस। ऑब्जेक्शन सस्टेन्ड। ठीक है, मुझे आपसे और कुछ नहीं पूछना है। योर ऑनर, लड़कियों के इस व्यापार के पीछे एक गैंग है, एक बहुत बड़ा रैकेट है जिसमें बहुत से बड़े बड़े लोग और उनके एजेंट शामिल हैं। मुल्जिम साइमन परेरा उसी गैंग का एक खास एजेंट है। इस गैंग को खत्म करने के लिए यह जरूरी है कि मुल्जिम साइमन परेरा को पुलिस की हिरासत में कम से कम एक महीने भी रखा जाए ताकि पुलिस अपने फर्ज को अंजाम दे सके। दैट्स ऑल योर ऑनर। नाउ डिफेंस में टेक ओवर। थैंक यू योर ऑनर। सबसे पहले मैं पुलिस के गवाह इन लड़कियों से कुछ सवालात करना चाहता हूं। प्रोसीड। जाइए आप लोग। आपका नाम? मीना शर्मा। तो मीना शर्मा जी, आप गीता पर हाथ रख के बताइए कि आप उस दिन समुद्र के किनारे क्यों गई थी और क्या क्या हुआ वहां? जी जी वो कान खोलकर सुन लो, अगर इस बयान के अलावा कोई दूसरा बयान दिया तो एक एक गोली छोड़ा दूंगा, समझे? बोलिए। जी वो समुद्र के किनारे हम सब पिकनिक पर गए थे, वहां कुछ लोग नाव पर आए और हम पर धावा बोल दिया और हमें जबरदस्ती खींच खींच कर अपनी स्टीमर की ओर ले जाने लगे। ओ, आपको इस अदालत में कोई ऐसा आदमी नजर आ रहा है जो उस वारदात के वक्त वहां पे था? देखिए देखिए जरा गौर से देखिए। ये साहब वहां पर थे। जिन लोगों ने आप पर हमला किया उनमें से ये साहब मौजूद थे? जी नहीं, ये हमारी चीखें सुनकर हमारी मदद के लिए आए थे। मदद के लिए आए थे, क्या ये सही बोल रही? जी हाँ। ये सरासर गलत है योर ऑनर, ये लड़कियाँ झूठ बोल रही हैं। मिस्टर पब्लिक प्रोसिक्यूटर, ये लड़कियाँ आपकी गवाह है, पुलिस की गवाह हमारी नहीं। लेकिन योर ऑनर, इन लड़कियों ने पुलिस में हल्फिया बयान दिया है, बयान पर दस्तखत किए हैं जिसमें कहा है कि मुल्जिम साइमन परेरा इन्हें जबरदस्ती उठाकर स्टीमर पर ले गया है। लेकिन अभी अभी इन लड़कियों ने अदालत के सामने बगैर किसी दबाव के अपनी मर्जी से कहा कि उनकी चीख सुनते ही परेरा साहब इनकी मदद के लिए आए। योर ऑनर, पुलिस के पास जो बयान है मुझे उस पर शक नहीं है, लेकिन वो बयान पुलिस स्टेशन में लिया गया है, जाहिर है कि पुलिस के दबाव या डर से दिया गया हो। नो योर ऑनर, ये सरासर गलत है। मैं पुलिस फोर्स की बहुत इज्जत करता हूँ, खास करके मिस्टर अमित गुप्ता की भी, लेकिन अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि इन्होंने असली मुजरिमों को तो भाग जाने दिया और एक मासूम बेगुनाह को पकड़ लिया। योर ऑनर, जब कोई आदमी पर कोई जुर्म आयत ही नहीं होता तो ये कैसे कहा जा सकता है कि उसने जुर्म किया? प्रिमा फैसी ये कोई केस ही नहीं है, इसलिए मैं अदालत से दरख्वास्त करूंगा कि ये केस खारिज किया जाए। काउंसिल फॉर डिफेंस ने जो पॉइंट्स उठाए हैं और जो बयानत अदालत के सामने आए हैं उनसे जाहिर है कि पुलिस के पास इल्जामों को साबित करने के लिए कोई मजबूत सबूत नहीं है, इसलिए
अदालत हुक्म देती है कि डिफेंडेंट साइमन पेरेडा को पुलिस के हिरासत से फौरन आजाद किया जाए। जैन साहब, आपका शुक्रिया अदा कैसे करें? आपकी मेहरबानियों की कीमत पैसा तो नहीं है, लेकिन फिर भी हमारी तरफ से ये एक मामूली सा मेहनताना कबूल कीजिए। मल्होत्रा साहब, आप तो जानते कि मेरी फीस 5,000 रुपए है, ये गड्डियां तो 20,000 की। इसे फीस मत समझिए जैन साहब, ये तो परेरा को पुलिस के फंदे से बचाने का एक छोटा सा नजराना है। आप तो जानते हैं कि मैं मेहनताना लेता हूँ, नजराना नहीं। आओ अमित। गगन। अच्छा, नमस्कार। नमस्कार जैन साहब, मैं इजाजत चाहूंगा। मल्होत्रा साहब, पैसे तो लेते जाइए। आप मालिक हैं। कहिए, कैसे हैं अमित साहब? मैं तो ठीक हूं, तुम कैसे हो मल्होत्रा? बस आपकी मेहरबानियों के बोझ तले दबा हुआ हूं। सीओ जयंत, सुन। सुनू क्या? मैं जानता हूं तुम मुझसे झगड़ा करने आया। हाँ हाँ, मैं झगड़ा करने आया हूं। ओके ओके यार, अगर लड़ना ही है तो किसी अच्छी जगह चलकर लड़ते हैं। यार मेरी बात को मजाक में मत टालो प्लीज। कौन टाल रहा है भाई, घर चलते हैं। अनु भी काफी दिनों से तुम्हारे बारे में पूछ रही थी। तुम अनु से बात भी कर लेना और मुझसे झगड़ा भी कर लेना। कम ऑन। मम्मी और अब आंख बंद कीजिए, मैं छुपती हूँ। अच्छा लो, बंद कर। देखना नहीं। नहीं देखूंगी बाबा। वन, मैं छुप गई। ए मिठू, तुम बताओ नंदिता कहाँ छुपी है? पकड़ी गई नंदिता, पकड़ी गई। मम्मी, मिट्टू आपका पक्का चमचा है, कब बता देता है। मैं नहीं खेलूंगी आपके साथ। नहीं नहीं बेटा, ऐसे नहीं कहते। मम्मी, पापा आ गए, पापा आ गए। अनु, ओ अनु, अरे देख तो सही मैं किसे पकड़ के लाया हूँ। हेलो पापा। हेलो बेटा। हेलो भाभी। हेलो बेटे। हेलो अंकल। कैसे रास्ता भूल पड़े आज? भाभी सीमा कैसी है? अच्छी भाभी, कल ही आपको याद कर रही थी। छोड़िए भैया, आप लोग हमें कहाँ याद करते हैं। हाँ कहाँ याद करते हैं। अच्छा आप बैठिए, मैं आपके लिए गरम गरम चाय लाती हूँ। अरे गरम गरम चाय नहीं, इसके लिए कुछ ठंडा लाओ, इसका पारा बहुत चढ़ा हुआ है। बहुत चढ़ा हुआ है। चल यार, तुम अभी भी मेरी बात को मजाक में ले रहे हो। जरा सोचो, खूनी बदमाशों को छुड़ाना, उन्हें कानून की पनाह देना, क्या तुम ठीक कर रहे हो? ना तो मैं जुर्म का, ना तो जुर्म करने वाले का साथ देता हूँ, मैं तो कानून की मदद से उन्हें बचाता हूँ। बैठो। लेकिन। लेकिन क्या? क्या एक डॉक्टर खूनी या क्रिमिनल का इलाज नहीं करता, उन्हें दवा नहीं देता? उसी तरह ये मेरा पेशा है। तुम्हें बढ़ते हुए जुर्म की कोई परवाह नहीं, तुम्हें सिर्फ अपने पेशे की शान प्यारी है। तुम क्या चाहते हो कि मैं इन क्रिमिनल्स के मुकदमे लड़ना बंद कर दूं, और अगर लड़ूं भी तो हार जाऊं? मेरा मतलब ये नहीं, मेरे कहने का मतलब ये है। देखो अमित, अगर मैं इनके मुकदमे लड़ना छोड़ दूं तो तुम क्या समझते हो इनके मुकदमे लड़े नहीं जाएंगे? अरे मैं नहीं लड़ूंगा, कोई और लड़ लेगा, ये सिलसिला खत्म होने वाला नहीं है। आप दोनों की हार जीत की लड़ाई में कब से सुनते आ रही हूँ, लगता है आज मामला संगीन है। भाभी ये तो चलता ही रहता है। अमित भैया, कभी सीमा को लेकर आइए ना, वो तो लगता है घर से निकलती ही नहीं। अरे निकलेगी भी कैसे, इसने तो उसे कैद कर रखा है। अंकल आपने आंटी को जेल में रखा है। अरे नहीं बेटे, ये तेरे पापा ऐसे मजाक कर रहे हैं। और सुन, अगर मैं तेरी आंटी को जेल में बंद भी कर दूं ना, तो ये तेरे पापा उसे 2 मिनट में छुड़ा लाएंगे। और बहुत बड़े जादूगर हैं ये। पापा आप जादूगर, हमें जादू दिखाइए ना पापा। हेलो कौन? प्रिया, कहाँ से? मैं ऊटी से बोल रही हूँ। तुम्हारा टूर कैसा रहा? तुम्हारे भैया वो हैं, और अमित भैया भी हैं। तुम्हारे भाई साहब भी वहीं हैं। मर गए। यहाँ नहीं, बंबई में। अरे तुम्हें नहीं मालूम वो बंबई में बैठे बैठे जान जाएंगे कि मैं तुम्हारे साथ यहाँ बैठा हूँ। हाँ भाभी, मैंने फोन इसलिए किया था कि मैं एक हफ्ता और रहना चाहती हूँ। प्रिया एक हफ्ता और रुकना चाहती है ऊटी में, क्योंकि कुछ लड़कियों का ग्रुप हाइकिंग के लिए जा रहा है। तो वो फिर अकेली कैसे आएगी ऊटी से? हाँ अरे मेरा छोटा भाई ना विजय, वो आजकल ऊटी में है, एक हफ्ते बाद लौट रहा है, वो लेता आएगा प्रिया को। मैं उसे फोन कर देता हूँ। हाँ सुन। ओह हो भाभी, किस थर्ड क्लास आदमी का नाम ले लिया आपने। नहीं नहीं
उसको तो कहना भी मत कि मैं यहाँ आई हुई हूँ, नहीं तो पीछे ही पड़ जाएगा। हाँ हाँ मैं अकेली आ जाऊंगी। ओके भाभी बाय। थैंक गॉड बच गए। नहीं ये गॉड बहुत तो ठीक है, लेकिन तुम ये किस आदमी के बारे में बात कर रही थी? बड़ा थर्ड क्लास है, तुम्हारे पीछे पड़ जाएगा। भाभी ऐसे एक आदमी का नाम ले रही थी जो यहाँ आया हुआ है, कह रही थी उसके साथ लौटाना। कौन है वो? वो बम्बई में हमारे एक भाई साहब है मिस्टर अमित गुप्ता, उनके छोटे भाई मिस्टर विजय गुप्ता। मिस्टर विजय गुप्ता थर्ड क्लास आदमी है। ओ आंखों की जुबान में दिल ने कुछ कहा है, आंखों की जुबान में दिल ने कुछ कहा है। आंखों की जुबान में दिल ने कुछ कहा है। कसूर है ना मेरी खता है, आंखों की जुबान में दिल ने कुछ कहा है। कितने पास फिर भी दूरी है, ऐसे मिलने में क्या मजबूरी है। हम हैं कितने पास फिर भी दूरी है, ऐसे मिलने में क्या मजबूरी है। थोड़ी सी दूरी बहुत जरूरी है, क्योंकि इंतजार में प्यार का मजा है। आंखों की जुबान में दिल ने कुछ कहा। ओ तेरे मेरे बीच में कुछ हो गया है, आंखों की जुबान में दिल ने कुछ कहा है। कोई सजा है, आंखों की जुबान में दिल ने कुछ कहा है। तेरे मेरे बीच में कुछ हो गया है, आंखों की जुबान में दिल ने कुछ कहा है। आंखों की जुबान में दिल ने कुछ कहा है। यहाँ कितनी गर्मी है, वाह क्या मौसम था, ठंड रोमांटिक। अच्छा सुनो, बम्बई में मिलने का प्रोग्राम कैसे बनेगा? कमाल है बम्बई इतना बड़ा शहर है, किसी भी कोने में मिल लेंगे। तो जगह फिक्स कर, हाँ फोन करके करेंगे। नहीं बाबा नहीं। क्यों? भाभी ने जरा सा भी सूंघ लिया तो रात दिन छेड़ेगी, छेड़ छेड़ के परेशान कर देगी। दूसरों का इश्क बहुत जल्दी सूंघती है वो, उन्हें तो हवा तक नहीं लगनी चाहिए हम दोनों के बारे में। तो कितनी डरती है अपनी भाभी से। भाभी
भाभी। हाय। हेलो भाभी, कैसी हो? मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? अच्छी हो। जा तेरा सामान ले। नमस्कार भाभी जी, कैसी हैं आप? मैं भी वही बोल। अरे हाँ, तुम भी तो उठ गए थे ना, कैसे हो? बिल्कुल ठीक हूँ, लगता है सामान आ गया। हाँ? प्रिया जी, आप अपना लगेज का टैग देंगी तो मैं जरा सामान ले आऊँ? अजीब आदमी है आप, ऊटी से पीछे लगे हैं। आप मेरा पीछा छोड़िए और अपने रास्ते जाइए। अरे प्रिया, ये विजय है, अमित भाई साहब के छोटे भाई। जानती है मुझे? किसी के भी छोटे भाई हो, मुझे इससे क्या? ऐसे आलतू फालतू लोगों को मैं पसंद नहीं करती। पूरे रस्ते नाक में दम कर दिया था। कमाल है, मैं तो इसलिए मदद कर रहा हूँ क्योंकि आप मेरे बड़े भाई के दोस्त की छोटी सिस्टर हैं, इसलिए आपकी इज्जत भी करता हूँ। और आप इज्जत इज्जत के गुलदस्ते मेरी तरह बनाने की हिम्मत मत कीजिए, आप लोगों के तरीके मैं खूब जानती हूँ। अरे क्या पकती जा रही हो, विजय ऐसा लड़का नहीं है। बिल्कुल, दे दे बैगेज टिकट। दीजिए ना प्लीज, सामान आ गया है, नहीं तो। पीला सूटकेस है मेरा, जानता हूँ, लड़कियों के लाल पीले सूटकेस ही होते हैं। ये क्या प्रिया, तुम्हें विजय से इस तरह पेश नहीं आना चाहिए था। अरे छोड़ो ना भाभी, ये साहब अपने आप को रोमियो समझते हैं, रोमियो, जैसे मैं इन पर फिदा हो जाऊंगी। अच्छा भाभी, भैया कैसे हैं? वैसे ही है, वही कोर्ट, वही मुकदमे, हमारे लिए फुर्सत कहाँ है। लो आ गया। हाँ आ गया। हा? ये है ना आपका पीला सूटकेस। विजय तुम जाओगे कैसे? मैं वो चलो ना हमारे साथ। इसकी क्या जरूरत, मैं बस पकड़ लूंगा। चलो ना विजय। ठीक है, आप कहती हैं तो ये कह रही है इसलिए। अपना घर आखिर अपना ही घर होता है भाभी, मजा आ गया। योर ऑनर, थैंक यू। इस केस में आप ये कौन है? नहीं, खुद ही जाकर देख लो। योर ऑनर, मेरे क्लाइंट पर आईपीसी 420 का जो मुकदमा दायर किया गया है वो बिल्कुल वाह गणेश जी, ऐसा नहीं है गणेश जी, लफ्ज है, बेबुनियाद है, बेबुनियाद, कानून के खिलाफ है, खिलाफ है, झूठा है, झूठा है। आप भैया की तरह बोलने की प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप ऐसा कीजिए, मिट्ठू की तरह हरी मिर्च खाया कीजिए, हरी मिर्च, ताकि जुबान बिल्कुल साफ हो जाए। अब आप भैया का प्रोग्राम बताइए मुझे। प्रोग्राम जी साहब, कल लौट रहे हैं सुबह मद्रास हाई कोर्ट से, अराइवल एट बॉम्बे एयरपोर्ट 10 एम। भैया, अरे तू आ गई होटल से? हाँ। ये मैं क्या नया देख रहा हूँ भाई, मुझे लेने के लिए आप दोनों एयरपोर्ट पर? हाँ इन्हें बता दो प्रिया, हमें मजबूरी में आना पड़ा, आप इतने बिजी बैरिस्टर हैं कि घर पर आपको वक्त ही नहीं मिलता, हमने सोचा एयरपोर्ट चलकर ही मिल लें। हाँ, और आपसे मिलने का अपॉइंटमेंट ले लें। अच्छा तो ये बात है, हाँ शैतान कही की। और क्या भैया, आपके सेक्रेटरी ने बताया कि आज रात तक आप बिजी हैं और कल सुबह आप इलाहाबाद जा रहे हैं, और ये भी पता चला कि आपके पास घर वालों के लिए वक्त नहीं है। अरे पहले सीधा घर ही तो चल रहा हूँ। सॉरी सर, सॉरी, अभी आपको सीधा हाई कोर्ट चलना है, 11:30 बजे राजा साहब का केस है सर, 11 बज चुके हैं। हाँ मैं तो भूल ही गया, ये भी बहुत जरूरी है। कोई बात नहीं, आप सीधा हाई कोर्ट चले जाइए, हम दोनों घर चले जाएंगे, लेकिन शाम को थोड़ा वक्त दे सकते हैं ना? हाँ मैं 5:45 बजे घर पहुँच जाऊंगा। 5 बजे? सर 5 बजे लॉ कमीशन की मीटिंग है, आपको प्रेजाइड करना है सर। हाँ वो भी जरूरी है। 7:30 सर, 8 बजे आपको गवर्नर साहब के यहाँ खाने में जाना है सर। वो डिनर कैंसिल, ये मेरा हुक्म है। इनका हुक्म है वो डिनर कैंसिल। सुना आपने गणेश जी, अब आप जा सकते हैं। जी, जी। तो फिर आप घर की अदालत में 7:00 बजे हाजिर हो जाएंगे, आपके खिलाफ बहुत से केसेस पेंडिंग हैं, उन सबका फैसला होना है, समझे आप? हाँ समझ गया, बिल्कुल समझ गया। जब आप दोनों ने मिलकर समन इश्यू कर ही दिए हैं तो मुझे तो पेश होना ही पड़ेगा। आई हैव नो चॉइस लेफ्ट, कम ऑन लेट्स गो। ठीक 7 बजे ऑन द डॉट। आइए आइए, तशरीफ लाइए, हम घर के सब लोग आपका स्वागत करते हैं। ये सब क्या है? चलिए ना, चलिए ना पापा। अरे बेटा लेकिन कहाँ, अरे अरे सुनो, अरे भाई ये सब कुछ क्या हो रहा है, मुझे उल्लू क्यों बनाया जा रहा है? आप आइए तो सही बताते हैं। वैसे उधर नहीं, आज ऑफिस बंद है। पापा बैठो। हाँ लीजिए हजूर लीजिए, तेरे आते घर चहकने लगता है। चलिए ना, शुरू हो गई तेरी शैतानियाँ। अरे 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 टू बेडरूम, अच्छा तो मेरे घर की ज्योग्राफी मुझे ही बताई जा रही है। हाँ जी हाँ, क्योंकि आप ज्योग्राफी और हिस्ट्री दोनों ही भूल चुके हैं। वो कैसे? आज तारीख कौन सी है? आज तारीख है 14 अप्रैल। जी हाँ 14 अप्रैल। हाँ। और क्या? बस मैंने नहीं कहा था, आप हिस्ट्री भी भूल चुके हैं, आपको याद नहीं आज आपकी शादी की सालगिरह है। ओ गॉड, अनु आप वहाँ कहाँ जा रहे हैं? हाँ। आपके कमरे का रास्ता तो ये है। हाँ, ये तो है, चलिए।
भाभी मैं आपका मुजरिम ले आई। प्रिया तूने इस कमरे को तो बिल्कुल सुहागरात की तरह सजा दिया। हाँ जी बिल्कुल, मगर वो नो आर्ग्यूमेंट्स, बहस की इजाजत अदालत नहीं देती। आई सी। आज की तारीख भूल जाने के जुर्म में आप दोनों को 2 घंटे के लिए इस लॉकअप में बंद किया जाता है। ठीक 9 बजे आजादी दी जाएगी, तब हम लोग आपकी शादी की सालगिरह का जश्न मनाएंगे। तब तक के लिए बाय बाय। बाय बाय। अरे सुन सुन। बाय बाय। कुछ याद आ रहा? सब कुछ, एक एक बात। शादी की वो पहली रात, 10 साल गुजर गए लेकिन तुम आज भी नई हो, सुंदर हो। झूठ मत बोलिए, अब तो मैं एक बिटिया की माँ हूँ। अनु तुम कितने भी बच्चों की माँ हो जाओ लेकिन मेरे लिए नई और सुंदर रहोगी हमेशा के लिए, उस पहली रात की तरह यादव रात। अरे ये 6 हाथ का घूंघट निकाले क्या बैठी हो? तुम समझती हो मैं धीरे से आऊंगा, ये घूंघट उठाऊंगा और क्या? अरे 6 महीने से रोमांस कर रहे हैं, फ्लर्ट कर रहे हैं और आज इस कमरे में जब अकेले होने का वक्त आया तो चिलमन गिराए बैठे हैं। तुम्हें इतना भी नहीं मालूम कि आज की रात लड़कियां घूंघट नहीं उठाती। अरे मैं भी कितना बुद्धू, बिल्कुल बुद्धू। उससे और ज्यादा सुंदर हो गई आज। उस रोज किसने सजाया था तुम्हें? क्यों, मेरी सहेलियों ने? आज मैं सजाऊंगा तुम्हें, पहली रात की दुल्हन की तरह। हरी काका आप इसे यहां रखिए। धीरे। आंटी देखो नानी जी आई है। कैसे हो? अरे आंटी जी आप आ गई। रहो तुम, फोन करो मैं ना आऊं, ये कैसे हो सकता है? भाभी आपको देख के ताज्जुब में पड़ जाएगी कि आप नासिक से कैसे आ गई। मैंने अभी किसी को बताया नहीं कि आप आने वाली हैं। अच्छा पार्टी ठीक 9 बजे शुरू होगी, तब तक आप आराम कीजिए। चलिए नानी जी। चलो ठीक है, देख लो। Fantastic. आइए भाभी। प्रिया प्रिया तूने तो अच्छा खासा हंगामा कर दिया। लगता है पूरा बम्बई शहर जमा कर लिया है। बम्बई से ही नहीं भाभी, नासिक से भी मेहमान आए हैं। नासिक से? पापा पापा देखो नानी जी आई है। ओ पाए लागू, पाए लागू। पीती रहो। ओ मम्मी, प्रिया ने फोन पर बताया तो मैं भी चली आई। ये आपने बहुत अच्छा किया। मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद है तुम दोनों को। हाय जय। ओ हाय जय। आइए माँ जी। अरे जय भाई बहुत बहुत मुबारक हो। मुबारक। थैंक यू। अरे भाई अगर हमें पहले मालूम होता तो हम पंडित साथ लाते और तुम्हारी दोबारा शादी करवा देते। चलिए भैया केक काट। अब केक काटना पड़ेगा। अब तो भाई काटना पड़ेगा। चलो चलो चलो, आइए भाभी आइए। ये लीजिए भैया। ये लीजिए। अकेले केक काटूंगी, 10 साल हो गए हमारी शादी के। अरे हाँ 10 साल। 10 साल। यस यस यस। अरे भाई मुबारकबाद तो नहीं चलेगा। वी वांट अ सॉन्ग। मैं क्या गाऊंगी? लिए स्पॉट। आज हम आपको नहीं छोड़ेंगे, गाना तो गाना ही पड़ेगा। कहाँ जल्दी है भाई, 100 साल तक ऐसे जश्न चलते रहे तुम्हारी जिंदगी सलामत रहे। यस। Hey, hey, oh, 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 oh.
रस की सही। ओ जिंदगी सौ बरस की सही, जिंदगी का भरोसा नहीं। जिंदगी सौ बरस की सही, अपने दिल की क्षमा भी जला के रखो। आग थोड़ी सी दिल में लगा के रखो, अपने दिल की क्षमा भी जला के रखो। घर चराहों से, घर चराहों से रोशन सही, रोशनी का भरोसा नहीं। सीमा गुप्ता। अच्छा अच्छा बैठो। अरे विजय अब तुम कहाँ चले गए? आओ बाबा। आ गया भाभी। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। बजने दो इसे। बजने दो। प्लीज। तुम दोनों भाइयों से तो मैं तंग आ गई हूँ। बस एक मिनट। हेलो। हाँ बोलो करीम। बस अभी आया। नहीं नहीं एक घंटे के बाद। ओके। अरे डालेंगे एक घंटा क्या तुम कहो तो आज हम ऑफिस से नहीं जाते हैं। चलो चलो बैठो। भाभी तुम्हें बैठो ना। पुलिस वाले भी। विजय एक बात है, तूने पुलिस की ट्रेनिंग तो ली है लेकिन इस नौकरी में बहुत गड़बड़ है। ना दिन दिन रहता है ना रात रात, हर वक्त आफत ही आफत है। गनीमत है आज इतना तो सोचा आपने। तूने तो वकालत भी की है, जयंत कह भी रहा था, तो उसका असिस्टेंट क्यों नहीं बन जाता? मेरी भी ये राय है विजय, तुम भूल कर भी पुलिस की नौकरी मत करना। ठीक है भाभी तुम कहती हो तो नहीं करूंगा। वैसे भैया वो औरंगाबाद कॉलेज से मेरे पास प्रोफेसर की ऑफर आई है,
अगर आप लोग इजाजत दें तो मैं कल ही ज्वाइन कर सकता हूँ। प्रोफेसर की नौकरी, ये तो बहुत इज्जत की नौकरी होती है। मैं तो कहता हूँ तू फौरन ज्वाइन कर ले। बस आपने फैसला सुना दिया, ठीक है जाइए आप काम पे और ये चला जाए औरंगाबाद। मैं अभी सूटकेस पैक कर देती हूँ, मेरे बारे में तो कोई सोचता ही नहीं। अरे भाभी नाराज क्यों होती हो, जैसे तुम कहोगी वैसे ही करूंगा। ओके फिर तुम बम्बे में नौकरी करोगे और शादी करके घर में देवरानी रहोगे, शादी ताकि मेरी बोरियत दूर हो और इनकी बोरियत शुरू हो जाए। नहीं ये 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 एकाएक नौकरी से शादी की बात कहां से टपक पड़ी? एकाएक नहीं, मैं बहुत दिनों से सोच रही हूँ, एक लड़की भी मेरे नजर में है। तुम कहो तो आज ही बात पक्की कर। अभी तुम भी सुबह सुबह तो इस तरह शर्मा क्यों रहे भाई, ऐसी गलती तो सभी करते हैं। वाह भैया वाह, तुम भी। हाँ मैं नाश्ता अंदर ही करता हूँ बेडरूम। मैं आज ही बात पक्की करती हूँ। चाय लाई हूँ महारानी जी। थैंक यू भाभी, मैं अभी आती हूँ। क्या बात है प्रिया, सुबह सुबह तो लोग भजन गाते हैं और तुम बड़ा रोमांटिक गाना गा रही हो। मूड ही कुछ ऐसा है भाभी, आप नहीं समझेंगी। हाँ हाँ मैं भला क्या समझूंगी। सेकेंड अप्रैल ये मेरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत रात है। आंधी और तूफान, उठी होटल का कमरा, विजय का साथ होना। लगता है मैं जिंदगी में जो कुछ पाना चाहती थी विजय के रूप में मुझे मिल गया है। गुड मॉर्निंग भाभी, थैंक यू फॉर द टी। हरी काका कहीं बाहर गए हैं क्या जो आपको चाय लानी पड़ी? नंदिता को स्कूल छोड़ने गए। भाभी आपसे एक बात करनी थी। तुम अपनी बात बाद में करना, पहले मेरी बात सुनो। क्या? कल सीमा आई थी। अच्छा। हाँ तेरे लिए विजय का रिश्ता लेकर। ओह तो तुमने क्या कहा? मैंने कहा विजय की शादी प्रिया के साथ ये तो हो ही नहीं सकता। हमारी प्रिया आपके विजय को बिल्कुल पसंद नहीं करती। तब तो उनको बहुत बुरा लगा होगा ना? लगता है तो लगे, मैंने तो सच्ची बात बता दी। आखिर तेरी जिंदगी का सवाल है, कोई मजाक तो नहीं? अच्छा मैं चलती हूँ। भाभी वो क्या है? नहीं ऐसे ही। भाभी वो क्या बात है भाई? अमित भाई साहब भैया के बहुत अच्छे दोस्त है ना। हाँ सुनेंगे तो बुरा मान जाएंगे। तो मानते रहे, तुझे भट्टी में तो झोंक नहीं सकते। जिस आदमी से दिल ना लगे उस आदमी से दूर ही रहना चाहिए। और फिर ऊटी होटल के कमरे में तुझे एक साथी भी मिल गया है, और जिंदगी में जो तुम पाना चाहती थी वो भी मिल गया है। भाभी तुमने कहीं? अरे हाँ आगे कुछ अब अभी बता। भाभी मेरी डायरी दो ना। भाभी तो यही समझती है कि मैं विजय से नफरत करती हूँ। भाभी बस ऐसे थर्ड क्लास आदमी के साथ तेरी शादी की बात कैसे मान जाती? ओ भाभी अब और मत सताओ। अब ये शादी हो ही नहीं सकती, एक बार मना कर दिया तो कर दिया। हाँ भाभी गलती हो गई ना, लो खान पकड़ती। ऐसे नहीं जोर से, अब मेरे साथ कभी ड्रामा तो नहीं करेगी ना? नहीं नहीं। एक ही दिन में प्यार के पंछी दिन और रात घुल गए। अरे शाम होती पंछी घर लौट आते हैं, तुम इतनी रात को आई हो उसे कहाँ छोड़ आई? अच्छी मम्मी कान सुना, मुझे नींद आ रही है। नींद आ रही है? चलो स्वीट ड्रीम्स।
राजा था और एक रानी। उनकी एक छोटी सी गुड़िया सी राजकुमारी थी। उस राजकुमारी के पास चांदी और सोने के बहुत खिलौने थे, बंदर, शेर, घोड़े और बिल्ली भी थी। मम्मी, उस राजकुमारी के पास मिट्ठू नहीं था? हाँ हाँ बाबा, उसके पास मिट्ठू भी था। अब तुम सो जाओ। आप जाके सो जाइए, ये तो पूरी कहानी सुनकर ही सोएगी। गुड नाइट पापा। गुड नाइट बेटे। सो जा बेटी। अरे तुम अभी तक सोए नहीं? मुझे नींद कहाँ आती है तुम्हारे बगैर। पैर दबाऊं? नहीं, मुझे भी नंदिता की तरह पहले कहानी सुनो। तुम नंदिता हो क्या? अरे नंदिता ना सही, लेकिन नंदिता का पापा तो हूँ। सुनाओ। तुम बच्चों से कम नहीं हो, बस थोड़े से बड़े हो गए हो। तुम भी तो थोड़ी सी बड़ी हो गई हो जब पहले मिली थी ना। तंग मत करो। तो कहानी सुनाओ। हाथ सीधे रखो तब सुनाऊंगी। लो हाथ सीधे सुना। हाँ, बहुत दिन हुए। एक राजकुमार था, उसका नाम था जयंत कुमार। वो बहुत बहादुर और बहुत सुंदर था। एक बार जयंत कुमार घोड़े पर सवार होकर शिकार खेलने के लिए जंगल में गए। वहाँ उसे एक लड़की की चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। घबराइए मत, मैं आ गया हूँ ना। लेकिन लेकिन एक बात तो बताइए, आप पानी में गिरी कैसे? मैं हाँ? बोटिंग करने आई थी, बैलेंस बिगड़ गया, नाव उलट गई, मैं पानी में गिर गई। अरे कमाल की लड़की है आप, तैरना आता आपको? नहीं। हाँ? अजीब लड़की है, तैरना नहीं आता तो बोटिंग करने निकल पड़ी। मुझे क्या मालूम था नाव उलट जाएगी। मालूम होना चाहिए, एक्सीडेंट तो कभी भी हो सकता है। अजीब बेवकूफ लड़की है आप। आप तो डांटते ही चले जा रहे हैं, किनारे तक ले चलिए ना। हाँ किनारे पर जरूर ले जाऊंगा, लेकिन एक एक छोटा सा प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम? हाँ। क्या प्रॉब्लम? मुझे तैरना नहीं आता। हाँ तैरना नहीं आता? हाँ। अजीब आदमी आप, तो फिर हनुमान की तरह कूद क्यों पड़े? हाँ कूद गया, आपको आपको देखा दूर से कि आप चिल्ला रही थी बचाओ बचाओ, हम भी कूद पड़े। आप हंसते ही रहेंगे या आप हमको किनारे भी ले जाएंगे? हाँ किनारे तक एक एक आइडिया है, बोट के सारे यूं यूं करते जाएंगे किनारे तक पहुंच जाएंगे। हाँ चलो, वन टू एंड थ्री। आप ठीक तो हैं? घबराइएगा मत, किनारा आ रहा है। कैसे शुक्रिया अदा करूं आपका मिस्टर? जयंत कुमार। आपका नाम? अनुराधा। बड़ा खूबसूरत नाम है। आप शुक्रिया अदा करना चाहती है ना? जी। बस कल मिलने का वादा कर लीजिएगा, अपने आप शुक्रिया अदा हो जाएगा। वक्त तो तय हो जाएगा, लेकिन एक बात है। हम यहाँ से जाएंगे नहीं तो कल मिलेंगे कैसे? ओह अरे जाने की बात कर रही हैं आप? अरे मेरे पास घोड़ा है, घोड़ा, बस इसी पर बैठकर निकल पड़ते हैं। घोड़ा? हाँ खानदानी घोड़ा है, बड़ा नामी घोड़ा है, इसके दादा ने डर्बी जीती। डर्बी? कल आप इस पर मिलने आएंगे? हाँ? जी नहीं, हम अपनी कार में आएंगे। कार? कार आपको चलाना आता है? हाँ? अगर चलाना नहीं आता तो आपसे मिलने कैसे आएंगे? जैसे तैरना नहीं आता था और झील में कूद पड़े। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, मान गए आप तो सचमुच कार चला कर आए। मान गए ना। और एक अर्जी भी लाया हूँ। अर्जी? जी हाँ, एप्लीकेशन। कैसी अर्जी? मुझे एक बीवी चाहिए, वांटेड अ वाइफ। ओह वांटेड अ वाइफ, तो अखबार के वांटेड कॉलम में छपा दीजिए।
फौरन मिल जाएगी। मुझे अखबार वाली बीवी नहीं चाहिए, मुझे तो वो बीवी चाहिए जो पानी में मिली थी। बताइए तो सही, उसके लिए अर्जी कहाँ देनी होगी? वो अर्जी आप मुझे दे दीजिए, मैं देखती हूँ क्या लिखा है। ओ वंडरफुल। बोलो प्यार करोगी? नहीं नहीं। इकरार करोगी? नहीं नहीं। ओ बोलो प्यार करोगी? इकरार करोगी? जब कलियां खिलेंगी फूल बनेंगे तब होंगी बातें, अभी नहीं इंतजार करोगी? नहीं नहीं। एतबार करोगी? नहीं नहीं। दिल मेरा न तोड़ो, इन फूलों को छोड़ो, कभी खिल जाते हैं तभी नहीं। बोलो प्यार करोगी? नहीं बाबा। इकरार करोगी? करता नहीं इनकार कोई, कहाँ मिलता है अब दिलदार कोई, हमें रोका नहीं एक बार कोई। इस प्यार की दुहाई कोई कोई हर जाए, ऐसा होता है तभी नहीं। इंतजार करोगे? नहीं नहीं। एक बार करोगे? नहीं नहीं। फिर क्या हुआ? फिर एक दिन राजकुमार कार छोड़कर घोड़े पर आया बैंड बाजे के साथ और मुझे ब्याह कर ले गया। घोड़े पे आया बैंड बाजे के साथ और तुम्हें ब्याह कर ले गया? इसका मतलब तुम्हारी मेरे साथ दूसरी शादी है? दूसरी नहीं, दसवीं। अरे तुम्हारे साथ दसवीं शादी तो क्या, मैं तो हजारों शादी कर लू। सर, एक गुरुनाथ नाम का आदमी आपसे मिलना चाहता है। गुरुनाथ? अरे भाई वो तो अपना आदमी है, बुला लो। चलो तुम्हें साहब ने बुलाया। थैंक यू। सलाम साहब। सलाम, क्या खबर लाए हो गुरुनाथ? मल्होत्रा उसके साथी आज रात को जांच पे आने वाले हैं और आज रात को सारा सामान उतार दिया जाएगा, बिल्कुल पक्की खबर है। गुड, तुम ऐसा करो जैसे माल उतरने लगे मुझे फोन कर देना, ओके? मैं तुम्हारे फोन का इंतजार करूंगा। ओके सर। थैंक यू, थैंक यू। अरे बड़ी चार्मिंग ब्यूटीफुल गर्ल। अरे भाई ये पीना पिलाना तो चलता ही रहेगा, पहले काम की बात कर ले। अरे बड़ी पहले चीयर तो कर लो फिर काम की ओके, बात कर ले। ओके, हाँ भाई ये सारा माल कितने का है? सारा माल 7 लाख का है सर। हमारा माल तैयार है मिलता सर? ओ हाँ, उसकी फिक्र मत करो। अरे अरे जाए, जितना माल चाहिए उतना मिलेगा।
हमारे मल्होत्रा के बेटे सुरेश ने चरस गांजा अफीम की सारी मार्केट संभाल ली है। हाँ बड़ी, इस बार हम पेमेंट गोल्ड में लेगा। सोना सोना सोना। ओके सर, ओके सर, जितना होना उतना सोना। कोई रुक कर हमारी बातें सुन रहा है? बड़े राम। यस चीफ। यहां भी कोई था जो छुपकर हमारी बातें सुन रहा था? यहां तो कोई नहीं। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। गुरुनाथ गायब है। गुरुनाथ? वो नया आदमी? फौरन ढूंढो से। अरे ऐसे आदमी को लेके क्यों आते तुम लोग? हैं अरे बड़ी जल्दी करो नी। चलो आओ। हेलो पुलिस स्टेशन, एसीपी अमित गुप्ता है? हाँ गुरुनाथ बोलो। हाँ 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 अच्छा। हेलो गुरुनाथ, हम सैया गुप्ता रे। भागता है? कुछ नहीं किया। चल चल। अरे चल हरामजादे, बोल बोल वो रिवॉल्वर कहाँ है? सर वो रिवॉल्वर उसने समंदर में फेंक दिया। क्या समंदर में फेंक दिया? ए गाड़ी रोको। क्या बात है अमित साहब, कोई मर गया क्या? मर नहीं गया, मारा गया है। लेकिन इस वक्त तुम यहां क्या कर रहे हो? अपने कुछ विदेशी दोस्तों से मिलने आए थे, एक छोटी सी पार्टी थी जहाज पर, हंगामा सुना, आपको देखा और रुक गए। अच्छा हुआ, अगर रुक ही गए तो इसे भी देख कर जाओ, ये तुम्हारे आदमी ने ये खून किया है। मेरा आदमी खून क्यों करेगा अमित साहब, बेचारा क्रेन से गिर के मर गया होगा। और रुस्तम जी को तो खामखा आपने पकड़ लिया। खामखा नहीं, इसने ये खून मेरी आंखों के सामने किया है। एसीपी साहब, पुलिस की आंखों पे कौन भरोसा करेगा? रुस्तम जी को आप ही छोड़ दीजिए तो अच्छा है, नहीं तो अदालत छोड़ देगी। मल्होत्रा, इस बार अदालत में अगर भगवान भी उतर आए ना तो इसे नहीं बचा सकता, क्योंकि इसका चश्मदीद गवाह मैं हूं। तो मिस्टर अमित गुप्ता, आप इस मर्डर के चश्मदीद गवाह हैं? जी हाँ, 100%। मर्डर मेरी आंखों के सामने हुआ था। क्या आपको मालूम है कि रुस्तम जी जिन पर मर्डर का इल्जाम है
ये मल्होत्रा एंड सन्स जैसी इज्जतदार कंपनी के मुलाजिम हैं। मल्होत्रा एंड सन्स, आप उसे इज्जतदार कंपनी कहते हैं? बड़े ताज्जुब की बात है। लगता है कि जाती तौर पर आप मिस्टर मल्होत्रा को पसंद नहीं करते। आपकी उनसे कोई अदावत, कोई रंजिश? जी नहीं, मेरी मल्होत्रा से कोई जाती रंजिश नहीं है, लेकिन इनके कारनामे। खैर छोड़िए, मुझे जो कुछ कहना है मैं वक्त आने पर कहूंगा। ओके ओके, लेकिन आप इतना तो जानते हैं कि रुस्तम जी मल्होत्रा जी के मुलाजिम हैं? जी हाँ, जानता हूँ। क्या आप अदालत को बता सकते हैं कि पुलिस के पास इनके खिलाफ कोई भी क्रिमिनल केस का रिकॉर्ड है? जी नहीं, क्योंकि कानूनी दावपेच से आप इन जैसे गुनहगारों को बचा ले जाते हैं। इस बात का इस केस से कोई ताल्लुक नहीं। एनीवे, थैंक यू फॉर द कॉम्प्लीमेंट। खैर ये बताइए, गुरुनाथ के फोन के बाद जब आप डॉकयार्ड पहुंचे तो आपने क्या देखा? मैंने देखा कि गुरुनाथ मरा हुआ पड़ा था और उसके इर्द गिर्द 5-7 आदमी थे। क्या आप उन सब लोगों को पहचान सकते हैं? जी नहीं, उन सब आदमियों को पहचानना तो नामुमकिन था, क्योंकि वह अंधेरा था, सिर्फ दूर एक मध्यम से रोशनी थी। खैर पहचानने की बात छोड़िए, गिनती तो सही बता सकते हैं। कितने लोग थे? 5-7? मैं वहां गिनती करने नहीं गया था। यानी कि आपको ये नहीं मालूम वहां कितने लोग थे? खैर अच्छा ये बताइए कि आपकी जीप मौका वारदात से कितनी दूर थी? मेरा मतलब है 100 गज, 150 गज, 200 गज? यही कोई 150 गज होगी। ओहो, तो 150 गज की दूरी से इतने अंधेरे में आपने सिर्फ एक रुस्तम को पहचान लिया। हैरत की बात है। इसमें हैरत की क्या बात है, मैं खुद चश्मदीद गवाह हूँ, मैंने खुद उसे गोली चलाते हुए देखा है। मिस्टर गुप्ता, ये पुलिस स्टेशन नहीं है, अदालत है, गुस्से पर जरा काबू पाइए। आई एम सॉरी ओना। अच्छा तो मुजरिम भाग रहा था, आपने क्या किया? मैंने उसका पीछा किया और उसे पकड़ लिया। इसका मतलब है वो पिस्टल भी बरामद हुई होगी जिससे आपके अनुसार गोलियां चली थी? नहीं। क्यों? लगता है कातिल ने वो पिस्तौल समंदर में फेंक दी। तो क्या आपने समंदर के बेड में तलाश नहीं की? तलाश जारी है, लेकिन वो पिस्तौल अभी तक हासिल नहीं हुई। वाह खूब, बहुत खूब। आप पुलिस के इतने बड़े एक्सपीरियंस ऑफिसर हैं, मर्डर का केस लेकर अदालत में आए और वो हथियार ही गायब है जिससे मर्डर हुआ है। ये कैसा केस है योर ऑनर कि गुरुनाथ के इर्द-गिर्द खड़े हुए लोगों की गिनती नहीं मालूम इन्हें, और इन्हें शक है कि उस अंधेरे में कई लोग और हुए होंगे जिन्हें ना तो ये पकड़ सके ना पहचान सके, और उसी अंधेरे में ये सिर्फ रुस्तम जी को पहचान सके और पकड़ सके जिन्हें कि ये मिस्टर मल्होत्रा के साथ एक बार नहीं कई बार देख चुके हैं। ये गलत है ऑनर, खून रुस्तम जी ने ही किया था। होश की बात कीजिए मिस्टर गुप्ता, किस हथियार से मर्डर किया गया था, कहां है वो पिस्टल जिससे मर्डर किया गया था? यह अदालत है, यह सिर्फ सबूत चाहिए मिस्टर गुप्ता। योर ऑनर, पुलिस ऑफिसर कितना भी ईमानदार या काबिल क्यों ना हो, सिर्फ उसकी शक की बुनियाद पर किसी बेगुनाह को कानून का शिकार नहीं बनाया जा सकता। इसलिए मैं अदालत से दरख्वास्त करूंगा कि यह केस डिसमिस किया जाए। दैट्स ऑल योर ऑनर। अदालत बैरिस्टर जयंत कुमार के बातों से मुत्तफिक है, पुलिस के पास रुस्तम जी के खिलाफ कोई सबूत नहीं है। जयंत, आज मैं तुमसे खुलेआम लड़ने आया। लड़ो यार, दिल खोल के लड़ो। तुम अच्छी तरह जानते हो आज जिस बदमाश को तुमने बचाया वो खूनी है। गुरुनाथ डॉकयार्ड की क्रेन पर फंस नहीं गया था बल्कि फंसाया गया था और आसमान की ऊंचाई तक ले जाकर गिराया गया था। ये तुम्हारा बयान है, लेकिन वारदात के हालात कुछ और सच्चाई पेश करते हैं। कानून तुम्हारी नजरों से नहीं देखता, कानून इंसाफ की नजरों से देखता है, और कानून ने वही मंजूर किया है जो उसे सच लगा है। कानून 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 की आंखों पर तो पट्टी बंधी। वो सारे गैर इंसानी जुर्म जिसे हम खुली आंखों से देखते हैं उससे तुम नहीं देखते। चारों तरफ छुरेबाजी, लूट मार, डकैती, मर्डर, रेप का बाजार गर्म है, तो कानून की बात करते हो? जयंत, वो कानून कानून नहीं जो कुंडे बदमाशों का तरफदार है, वो इंसाफ इंसाफ नहीं जो ईमानदारों के खिलाफ है। क्या बच्चों जैसी बात करते हो, कानून का मकसद डर पैदा करना नहीं है, कानून का मकसद है इंसाफ दिलाना। मैं जुर्म और जुर्म करने वालों को पनाह नहीं देता, सिर्फ बचाता हूं। बचाते नहीं बल्कि उन्हें बाइज्जत बरी होने की कलाई से चमका भी देते हो। जुर्म करके वो छूट सकते हैं इस बात का हौसला दिलाते हो। तुम्हारी कानूनी काबिलियत उन बदमाशों की छाती और चौड़ी कर देती है। एक गुंडा छूटता है तो 10 को, 10 छूटते हैं तो 100 को जन्म देते हैं, और धीरे धीरे उनकी जमात बढ़ती जाती है। जुर्म की सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते वो बिल्ला रंगा बन जाते हैं, लेकिन तुम्हें उससे क्या लेना देना? तुम्हें उससे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि जुर्म का कहर जिन पर टूटता है वो रोते हैं, वो चीखते हैं, चिल्लाते हैं। दोस्त, तुम दिमाग का दामन छोड़कर जज्बात की रौ में बह जा रहे हो। ये जज्बात नहीं दोस्त, नंगे हालात की आवाज है जो तुम्हें सुनाई नहीं देती। भगवान ना करे कभी ऐसा हादसा तुम्हारे साथ हो जाए तो तुम मेरी आवाज को याद करोगे और बहुत पछताओगे। सर मैं भी चलूं? नहीं, तुम यहीं रुको। ओके सर।
अरे हट। उसकी हालत क्या सूरत बनी थी उसकी। आइए आइए, जहर किस्मत आप इस नाचीज के घर तशरीफ लाए, मुझे हुक्म कर देते मैं हाजिर हो जाता। बैठिए ना अमित बाबू, बैठिए। क्यों मिर्चंदानी, ठीक बोला? हाँ, बड़ी तशरीफ रखिए। ये कुछ नोश फरमाइएगा। काले धंधों की गंदी खुशहाली और कानून के शिकंजे से बार बार बच निकलने की कामयाबी ने तुम्हें मदहोश कर दिया है, लेकिन एक बात याद रखना मल्होत्रा, किसी दिन मेरा एक झटका तुम्हारे होश उड़ा देगा। हजूरे वाला, किस झटके की बात कर रहे हैं आप? कानून की बात कीजिए, कानून की। तुमने इल्जामों के कितने ही जाल हम पर फेंके, अगर कानून तुम्हारे जालों को काट कर फेंक देता है तो बौखलाते क्यों हो? बार बार हार जाने के बाद अब हमें धमकी देने आए? मैं तुम्हें धमकी देने नहीं आया हूं, बल्कि ये बताने आया हूं कि अब भी बाज आ जाओ वरना बहुत पछताओगे। कितने खून किए तुमने, कितना माल स्मगल किया है, कितनी लड़कियां बाहर भेजी हैं, सबकी तफसील मेरे कब्जे में है। अगर तफसील आपके कब्जे में है तो आप हम सबको गिरफ्तार क्यों नहीं कर लेते? तो और क्या, गली के कुत्ते की तरह घुसाया। गगन, ए, 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 साला, ये आपका पुलिस थाना नहीं, मेरा घर है। हम आपकी तरह पत्ते मांगकर बदतमीज नहीं कि हाथापाई पर उतर आए। इससे पहले कि हमारी शराफत का बांध टूट जाए आप यहां से तशरीफ ले जाइए। मैं तुम्हें खबरदार किए जाता हूं कि आज के बाद अगर तुम मेरे हाथ लग गए तो मैं तुम लोगों को कानून के हवाले नहीं करूंगा, बल्कि गोलियों से छलनी कर दूंगा। साला, ये कुत्ता कुछ ज्यादा ही भौंकने लगा है। देखो ना, साले ने गर्दन पकड़ ली। सर, आप कहे तो एक गोली से इसकी जबान बंद कर दूं? ए चढ़िया, पुलिस ऑफिसर गोली से मरेगा तो हंगामा हो जाएगा। अरे रा, समझ लो हो गया बॉस, इट विल बी डन। सलाम साहब। सलाम। फोन तुम्हें नहीं किया था? जी साहब, आप मल्होत्रा साहब का गोदाम जानना चाहते थे ना, मुझे मालूम है उनका गोदाम साहब। ठीक है, बैठो गाड़ी में। अच्छा साहब, ये साहब उनका गोदाम। ठीक है, तुम मेरे साथ चलो। ये ठीक नहीं रहेगा साहब, अगर उन्होंने अपन को आपके साथ देख लिया तो मैं जिंदा नहीं छोड़ेंगे साहब। अच्छा ठीक है, तुम इनके साथ रहो और देखो तुम लोग गोदाम को चारों तरफ से घेर लो। कमान करीम। यस सर। यहां तो कोई नहीं दिखता साहब, ना आदमी ना आदम जान। चलो ऊपर चल के देखें। चलिए साहब। सर, यहां तो हमें खतरा लगता है सर। अरे पुलिस वाले होकर खतरे से डरते हो? कमान। सर यहां तो कोई नहीं दिखता सर। कौन ऊपर? सामने आओ। सर प्लीज ऊपर मत जाइए। करीम फॉर गॉड सेक, तुम रुको मैं जाता हूं।
अल्लाह ताला से दुआ है कि अमित गुप्ता की आत्मा को शांति दे। चंगेजी, हम तुमसे बहुत खुश हैं। ये लो तुम्हारा इनाम। थैंक यू सर। मुबारक हो चंगेजी। थैंक यू। अरे भाई, सुना है अमित के छोटे भाई विजय ने भी पुलिस ज्वाइन कर ली है। करने दो, हमें क्या फर्क पड़ता है, लाखों लोग पुलिस में पड़े हैं। पर अमित गुप्ता की बात कुछ और ही थी। वो निहायत शानदार और ईमानदार अफसर था। ऐसे अफसर ना तो खुद चैन से बैठते हैं, ना हम जैसे शरीफ लोगों को चैन से बैठने देते हैं। अरे भाई, वो तो सब ठीक है, लेकिन हो सकता है उसका छोटा भाई अपने बड़े भाई से चार कदम आगे बढ़े और फिर उसकी पोस्टिंग भी तो बंबई में हुई है। बड़ी, तुम बोल लो तो होम मिनिस्टर को कहकर उसकी ट्रांसफर कहीं और करवा दे। करवा दो ट्रांसफर, छुआ दो साले का। अरे छोड़ो, ऐसे नौसिखियों की कौन परवाह करता है। सैकड़ों आते हैं और चले जाते हैं, हम अपनी शाम क्यों खराब करें। चीयर्स। अब ये कौन हरामदादा है? आपका साफ दादा। ओ हमरे सुरेश, बोलो माल का इंतजाम हो गया? जी डैडी, माल तो मेरी बगल में पड़ा हुआ है। आप दुबई वाली पार्टी से कह दीजिए कि अगले हफ्ते तक उन्हें माल मिल जाएगा। यहाँ माल की क्या कमी है। ठीक है, माल लेकर जल्दी वापस आ जाओ। ओके। विजय, भाभी तुम तो जानती हो तुम्हारे ना जाने के बावजूद भी मैंने नौकरी क्यों की। बस मुझे आशीर्वाद दो। विजय, मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। जाओ। यहां रोक दीजिए सर। यही वो जगह सर, वो आदमी यही लेकर आया था। मुझे यकीन है सर, ये उसी आदमी का काम है जो मैं यहां तक लाया था। वो आदमी उस दिन के बाद कभी दिखाई दिया? जी नहीं। मुझे तो ऐसा लगता है कि इस मर्डर के पीछे जरूर किसी गैंग का हाथ है। हो सकता है सर। वो उस आदमी का हुलिया? सर वो बहुत लंबा और अजीब सी शक्ल का था। वैसे मैं उसे देखूं तो पहचान लूंगा सर। हमें आसपास के जितने भी गोडाउन हैं सब नजर रखनी पड़ेगी। लद गया माल? जी हाँ, लद रहा है। अरे जल्दी करो, परेरा और रुस्तम जी इंतजार करते करते उब गए होंगे। मगर चंगेजी भाई, जरा होशियारी से जाइएगा। हाँ हाँ मालूम है, पुलिस साली सूंघती रह जाएगी, लेकिन चंगेजी की परछाई भी उन्हें नहीं मिल पाएगी। चले फट्टा बंद कर। चलो जल्दी बंद करो। ट्रक नंबर MHT 7112 यहाँ से माल लेकर रवाना हो चुका है। ओवर। ओके ओवर। करीम। यस सर। तुम जल्दी से ड्रम्स लगाओ और इंस्पेक्टर तुम sir, फोन करके एक और पुलिस की वैन मंगवाओ। ओके सर। सब लोग यहाँ पे ड्रम लगाओ जल्दी। ए? साला नया बैरियर। बच के निकलना मुश्किल है। लेकिन हमारे माल का क्या होगा? माल से ज्यादा हमारा लाइफ कीमती। चलो गो। चलो
ड्राइवर ट्रक छोड़ के भाग गया। तुम ट्रक की निगरानी रखो, मैं उसे देखता हूँ। जिसने अमित शाह का कत्ल किया था। वो गोडाउन किसका है? किसके लिए काम करता है? किसके कहने से वो छत गिराई थी? मुझे नहीं मालूम। इसने जबान खोल दी था। इससे पहले कि वो जबान खोले, किसके लिए काम करता है कुत्ते? पीछा करो। अनु, ओ अनु, अनु कहाँ भाई? अरे भैया, आप इस वक्त आपकी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ, मेरी तबीयत को क्या होना है? तबीयत बिल्कुल फर्स्ट क्लास है। नहीं नहीं, आप झूठ बोल रहे हैं। झूठ बोल रहा हूँ? क्यों, क्या हुआ? आप इतनी जल्दी वापस घर पहली बार? हाँ भाई, इसकी वजह है, तुम्हारी भाभी कहाँ? ऊपर। ऊपर है ना, चलो वही चलकर बताते हैं। अनु, अरे भाई बधाई हो, ये तुम्हारे लिए। मेरे लिए? हाँ। अचानक क्या बात है? हाँ भैया बताइए ना, आज ये किस खुशी में? इस बार तुम्हारी हिस्ट्री फेल हो गई। आज तुम्हारी भाभी का जन्मदिन है। आप बाजी सच्ची मार लेकर भाभी, थैंक यू। अरे मैंने कहा जी, ऐसा थैंक यू हमें भी दीजिए ना। हाँ भाभी, मैं आपके लिए मिठाई लाती हूँ। हाँ मिठाई लेने जाओ। उसके सामने ऐसा क्यों बोले? क्या कहा मैंने? अरे सिर्फ थैंक यू तो मांगा है तो ना। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू वेरी मच। जानू तुझे याद है शादी के बाद तेरा पहला जन्मदिन हमने कहाँ सेलिब्रेट किया था? वृंदावन गार्डन में। तुम्हें तो कुछ याद ही नहीं रहता, जानते हो? आज मेरा जन्मदिन है। रियली? अरे पहले क्यों नहीं बताया? एक बढ़िया खूबसूरत सब तोहफा लेकर आता। तो क्या हुआ, बाद में दे देना। बाद में बात पुरानी हो जाती है। अपने दिल को खूबसूरत धोखा दे।
डाला एक इशारे में, चाहत के इजहार का दिल को मौका देता हूँ, पहले पहले प्यार का पहला बोसा देता हूँ, आ जाने मन आज तुझे एक तोहफा देता हूँ, पहले पहले प्यार का पहला बोसा देता हूँ। तुम्हारे साथ जितने भी दिन बीते हैं बहुत खूबसूरत है, जी ये चाहता है कि एक एक पल सिर्फ तुम्हारे साथ ही गुजारूं। रहने दो, कब से कह रही हूँ, चलते हैं कुछ दिन महाबलेश्वर घूम के आते हैं, उधर नंदिता भी नानी के पास नासिक चली गई है, तुम होके चलते ही नहीं। ठीक है बाबा, ठीक है तो कल ही चलते हैं। भाभी ये लीजिए मुंह मीठा की। बहुत बहुत मुबारक भाभी, आज आपका जन्मदिन है ना। हाँ। वो ये जो यहाँ ये लगा है ना लाल लाल, भाभी ने जो लगाया है। थैंक यू, थैंक यू, काम नहीं चलेगा, हमें तो बहुत बड़ी पार्टी चाहिए। हाँ। क्यों भाभी पार्टी? हाँ तो ठीक है, कल महाबलेश्वर जा रहे हैं हम सब लोग, तुम भी चल रहे। मैं महाबलेश्वर जाके क्या करूँ? तुम चलोगे तो प्रिया को बिजी रखोगे, और प्रिया बिजी रहेगी तो मुझे इनके साथ थोड़ा सा खाली वक्त मिल जाएगा। हाँ हाँ, ये हुई ना खुल्लम खुली बात। हाँ तो हम सब कल महाबलेश्वर जा रहे हैं। हरी काका जी, बीबी जी, सब सामान रख दिया ना? हाँ। कुछ भूल तो नहीं गए? भूलूंगा कैसे। भाभी ये कैसे चली है? और हाँ, ठीक है। साहब कहाँ है? साहब लाइब्रेरी में है, कोई क्लाइंट आया है। दया शंकर जी आप माजी को समझाइए, मेरा रुकना बहुत मुश्किल है, मैं बैरिस्टर नानावटी को फोन कर देता हूँ, वो मर्सी अपील कर देगा। देखिए ना सामान रखा जा चुका है, घर वाले तैयार हैं। वैसे तो कोई बात नहीं जैन साहब, लेकिन सबने इनको बताया कि आप ही इनके लड़के की फांसी रुकवा सकते हैं, इसलिए इनको मैं आपके पास ले आया। हम गरीब विधवा पर इतना उपकार कर दो सरकार, हम तुम्हारे हाथ जोड़े थे सरकार, पाँव पड़े थे सरकार, पाँव पड़े थे सरकार। नहीं माँ जी आप बैठिए, मैं एक मिनट में आया, बैठिए बैठिए। क्या हुआ, कौन आ गया? एक बूढ़ी औरत है, मर्सी अपील का मामला लेकर आई है, अपील की आज आखिरी तारीख है। तो क्या कहना चाहते हो? यही कि अगर अर्जी दाखिल नहीं हुई तो उसका बेटा फांसी के तख्ते पर चढ़ा दिया जाएगा। बेचारी पांव पकड़ के रो रही थी, और देखो फिर आधे दिन की तो बात है, आप लोग चलिए मैं पीछे पीछे। मैं जाती हूँ, तुम्हें कभी मेरे साथ चलने का वक्त नहीं मिलेगा। ऐसी बात नहीं है अनु, समझा करो ना। मैं ही समझा करूँ? तुम मेरी दिल की बात मत समझना। ठीक है तुम अपना केस लड़ो, मैं कभी तुमसे साथ चलने के लिए नहीं कहूंगी। मैं कौन होती हूँ? ओहो आधे दिन की तो बात है, क्या भरोसा, फिर कोई आएगा मेरा क्या, पर जब मैं नहीं रहूंगी तब मुझे याद करोगे। ओहो अनु कैसी बातें करती हूँ। तो और क्या, एक तुम ही हो, इतने बैरिस्टर्स पड़े हैं, उसका केस कोई भी लड़ सकता है। देखो डार्लिंग शहरत की कीमत चुकानी पड़ती है, जैसे मैंने बताया कि 12 बजे तक मैं अर्जी मंजूर करवा लूंगा, बस तब तक तुम लोग चलो पीछे आता होगा, कम ऑन कम ऑन कम ऑन। लो विजय भी आ गया। हाय प्रिया। हेलो, तेरा सामान कहाँ है? वो तो थोड़ी सी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम? तुम भी नहीं चल रहे हो? भाभी आ रहा हूँ भाभी, लेकिन थोड़ी देर के बाद। वो क्या है कि होम मिनिस्टर साहब बैंगलोर जा रहे हैं, वो 2-3 घंटे एयरपोर्ट में रुकने वाले हैं, उनकी सिक्योरिटी की ड्यूटी मुझे दी गई है, बस उनके जाते ही मैं आ जाऊंगा। और वैसे भाई साहब तो जा ही रहे हैं आप लोगों के साथ। नहीं मेरा भी एक जरूरी केस आ गया है, मर्सी अपील का मामला है। आप भी नहीं चल रहे हैं? विजय भी नहीं और ये भी बिजी है, तो जाने का प्रोग्राम कैंसिल करते हैं। क्यों प्रिया और क्या? नहीं नहीं ऐसा मत करो, सब तैयारियां हो चुकी है, सफर का मूड भी बन चुका है, ड्राइवर तो है, आप लोग चलिए हम पीछे पीछे आ रहे हैं। हाँ। वैसे आप लोगों को माफ तो नहीं करना चाहिए। क्यों? बना बनाया मूड चौपट कर दिया। चलो भाभी ये लोग बाद में आते रहेंगे। ठीक है हम अपना प्रोग्राम क्यों खराब करेंगे, हम हाँ। दोनों चलते हैं, कब पे लड़ाएंगे, म्यूजिक सुनेंगे, इंजॉय करेंगे। हम लोग 4 बजे तक पहुँचाएंगे, जरा चाय वाय तैयार करके रखिएगा। आप अपनी चाय खुदा के बनाइएगा,
हमारे पास टाइम नहीं है। टाइम नहीं है? अजी हुजूर, मैंने कहा इतनी दूर जा रहे हैं आप, जरा गुस्सा तो थूक दीजिए। स्माइल, ये हुई ना बात, आई मैं मर जाऊँ। चलो ड्राइवर। बहादुर गाड़ी गर्म हो गई मैम साहब, देखता हूँ जी। फैन बेल्ट टूट गया मैम साहब। गाड़ी में दूसरा है? नहीं है मैम साहब। फिर क्या करोगे? यहाँ से 10 मील दूर पेट्रोल पंप है, वहां से लेके आता हूँ जी। जल्दी वापस आना। अच्छा जी। भाई साहब रोको, भाई साहब रोको, भाई साहब, भाई साहब, भाई साहब फैन बेल्ट टूट गया, पंप तक छोड़ देंगे जरा। चल बढ़ जा। हो गई एक घंटे की छुट्टी, चलो तब तक म्यूजिक सुनते हैं। इंजन ट्रबल? जी नहीं, फैन बेल्ट टूट गया है। कहा जाना आप लोगों को? चलो मैं छोड़ देता हूँ। थैंक यू, हमारा ड्राइवर आता ही होगा। ऐसे वीरान सुनसान जंगल में आप लोगों का अकेला रहना ठीक नहीं। हमारी फिक्र मत कीजिए। अरे फिक्र कैसे फिक्र है? अरे मैडम आपने बोले तो पहुंच गएंगे अब तक। हाँ पहुंच तो जाना चाहिए। अरे
ये कार यहाँ कैसे? यहां तो कोई नहीं है। भाभी, प्रिया, बहादुर, बोतल कुछ गड़बड़ लगती है भैया। तुम उस तरफ देखो, मैं इधर देखता हूं। कमांड क्विक। प्रिया, भाभी, के साथ दुबई पहुंच जाएगा। हाँ 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 पक्का। अरे आ गए सुरेश, ये लो भाई, सुरेश भी आ गया। हाँ ओके 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 बाय। क्यों बेटा सुरेश, बहुत दिन लगा दिए तुमने। अरे ये क्या हुआ? जी डैडी, वो चूना भट्टी के जंगल में एक साला बदमाश मिल गया था, उससे तू मैं हो गई। मैंने उसकी धुलाई कर दी, मामूली सी चोट है डैडी। बड़ी, कहीं वो पुलिस का आदमी तो नहीं था? अरे हाँ, चूना भट्टी के इलाके में तो पुलिस सादा वर्दी में गश्त लगाती रहती है। क्यों, ठीक कहा ना मैंने? हाँ। नहीं नहीं नहीं, वो पुलिस का आदमी नहीं था। इतनी पहचान तो मुझे भी है डैडी। तुम बेटा उल्टे सीधे काम मत किया करो, खाम खा कोई मुसीबत बोल ले बैठोगे। जाओ जाके दवा लगाओ, चलो जाओ। जयंत साहब, जो कुछ हुआ उसके लिए अफसोस से ज्यादा गुस्सा है मुझे। हालांकि चूना भट्टी का इलाका दूसरे कमिश्नर के अंदर है, फिर भी मैं उनसे बात करूंगा। आप मदद करेंगे तो मुझे पूरा विश्वास है कमिश्नर साहब कि वो दरिंदा पकड़ा जाएगा, और जब तक वो दरिंदा पकड़ा नहीं जाएगा मेरा खून खौलता रहेगा। पुलिस तो अपना काम करेगी, लेकिन एक और जरिया भी है। आप एक क्रिमिनल लॉयर हैं मिस्टर जयंत, आपने बहुत से बदमाशों को छुड़ाया है। बदमाशों की अपनी एक बिरादरी होती है और सब जानते हैं किसने क्या जुर्म किया है। अगर आप अपने क्लाइंट्स, मेरा मतलब है इन बदमाशों से पता लगाएं तो काम और भी जल्दी हो सकता है। आप ठीक कहते हैं, मैं आज ही कोशिश करता हूं। जयंत साहब आप बैठिए तो सही, आप फिक्र मत कीजिए, हम आपके साथ हैं। आपका दुख हमारा दुख है। आप हुक्म कीजिए, ईंट से ईंट बजा देंगे। मुझे आपसे यही उम्मीद थी मल्होत्रा साहब, बदमाशों की बिरादरी को आप अच्छी तरह जानते हैं। आप लोग फिर मुझे उस आदमी का नाम और पता बता दीजिए
जिसने मेरी बीवी की इज्जत लूटी और उसे खुदकुशी करने पर मजबूर कर दिया। अरे उस हत्यारे से तो मैं खुद निपट लूंगा। जैन साहब, आप हमें सिर्फ उस वारदात का दिन, वक्त और जगह बता दीजिए। उस दरिंदे को ढूंढ निकालना हमारा काम है। दिन शुक्रवार, वक्त दिन के करीब 3 बजे, जगह चुनाभट्टी जंगल। चुनाभट्टी? चुनाभट्टी का जंगल? हाँ, चुनाभट्टी परेरा। कुछ याद आ रहा? किसी पर शक हो रहा है? नहीं, वो एकदम से माइंड में नहीं आ रहा। गगन, जरा याद करो। ऐसा तो कोई आदमी मुझे मीरचंदानी, तुम्हें याद है चुनाभट्टी का क्लाइंट लेकर आए थे, मैंने केस लड़ा था उसका। क्लाइंट? हाँ, बड़ी वो तो 4 साल हुए, दुबई चला गया। अरे वो ना सही, लेकिन चुनाभट्टी की और बदमाशी को तो जानते हैं, किसी पर तो शक होगा आपको। शक तो किसी पर चोर मल्होत्रा। हाँ जयन साहब, चुनाभट्टी तो छोड़िए, महाबलेश्वर, पूना, बंबई, यहाँ के जितने लोगों को भी हम जानते हैं, वो निहायत शरीफ आदमी है। क्यों गगन? हाँ बिल्कुल, भला हमें इन बदमाश लोगों से क्या लेना। भगवान मल्होत्रा, जिन सैकड़ों लोगों को तुम मेरे पास लाते रहे, जिन्हें मैंने फांसी के तख्ते से बचाया, क्या वो शरीफ लोग थे? बदमाश नहीं थे? जैन साहब, वो बदमाश नहीं बल्कि बहुत ही बदनसीब लोग थे। अरे वाह मल्होत्रा, क्रिकेट की तरह रंग बदल रहे। हाँ कुत्तों, दिखाई ना अपनी जात। समझ गया, तुम लोग जानते हो लेकिन बताना नहीं चाहते हो। अरे तुम लोग बताओ या ना बताओ, मैं तो उसे पाताल से भी घसीट कर लाऊंगा, जिंदा नहीं छोड़ूंगा। सुरेश, यस डैडी। लू के पट्टे, जानते हो तुमने किसकी बीवी पे हाथ डाल दिया? वो जयंत तुम्हें फांसी के फंदे पे पहुंचा के रहेगा। परेरा, दुबई तुम नहीं जाओगे, ये बदसात जाएगा। और सुनो, तुम लोगों ने जो कुछ भी देखा है या सुना है, उसे हमेशा के लिए भूल जाओ। अगर किसी ने याद रखा तो मैं उसकी जान ले लूंगा। खा ले मिठू, खा ले, जिद्दी कर। खा ले मिठू, खा ले हरी काका खिलाओ ना मिठू को। क्या करूं बिटिया, मिठू तो खाता ही नहीं। क्या हुआ बेटे? पापा। क्या हुआ बेटा, क्यों रो रहे हो? पापा, मिठू ने कुछ नहीं खाया, मैंने उसको दिया, उसने नहीं लिया पापा, है ना? मम्मी उसको देंगी जब भी वो खाएगा ना पापा। मम्मी कब आएंगी पापा? पा जल्दी बेटा, पा जल्दी। कितनी जल्दी पापा? पा जल्दी, जल्दी। मम्मी को जल्दी लाओ पापा। हाँ बेटा। हरी काका जी, मालिक बेबी को दूध पिला दो जी। आ बेटे, आज रोते नहीं बेटे। भैया, मैं क्या करूं विजय, मेरी कुछ समझ में नहीं आता, मेरा दिमाग काम नहीं करता, मुझसे नहीं सहा जाता। सब कुछ ठीक हो जाएगा, धीरज रखिए। कहां से लाऊं धीरज विजय, कहां से लाऊं? एक पल आंसू उमड़ते हैं तो दूसरे पल आग भड़कती है। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं क्या करूं? कभी कभी ऐसा लगता कि मैं पागल हो जाऊंगा। नहीं भैया, अगर आप टूट गए तो दूसरों को कौन संभालेगा? कुछ पता चला? कुछ खबर आई? नहीं भैया, ऐसे मामलों की छानबीन में थोड़ा वक्त लग ही जाता है। प्रिया कैसी है? कैसी होगी, आओ खुद देख लो। इसे इस हाल में देखता हूं तो कलेजा फटने लगता है। शौक और सदमे से आधी पागल हो चुकी है। Thank you.
प्रिया। कौन तुम? कौन तुम? तुम मेरे पास मत आओ। मैं हूँ विजय, डरो मत। तुम कौन हो? तुम मेरे पास है? तुम्हें तुम्हें मार डालूंगी मैं, गदा से तुम्हें मार डालूंगी प्रिया। मैं तुम्हारा खून चूस जाऊंगी। मेरे पास मत आना, मेरे पास मत आना प्रिया। मैं विजय हूँ, डरो मत। विजय, विजय, विजय तुम आ गए, तुम आ गए विजय। हाँ प्रिया। हमें दरिंदे से बचाओ विजय, हमें बचाओ। भाभी उतर है, हाँ भाभी उतर। प्रिया यहाँ कोई नहीं है, तुम अपने कमरे में हो, अपने घर में। अपने घर में? हाँ। मैं तो जंगल में थी। भाभी, शैतान, नहीं नहीं नहीं, तुम तो भाई हो, तुम तो भाई हो। प्रिया, 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 इसे लुटा दो। मैं डॉक्टर को फोन करता हूँ। डॉक्टर को बुलाने की कोई जरूरत नहीं, उन्होंने जो इंजेक्शन बताया था मैं खुद दे देती, अभी ठीक हो जाएंगे। देखिए प्रिया की हालत इस वक्त, तो फिर भी वो शांत है। जब मैंने उस हादसे और शैतान के बारे में पूछा तो बेकाबू हो गई। ये तो शुक्र करो कि उस वक्त डॉक्टर मौजूद था। मल्होत्रा से कुछ पता चला? कुछ नहीं। लेकिन आप तो कह रहे थे कि बात मत करो उस कमीने की। वो चाहे तो शैतान का पता बता सकता है लेकिन डरता है। मैं जानता था ये लोग अपनी बिरादरी के खिलाफ और किसी का साथ नहीं देते। इन नाशुक्रों के लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया। अमित ठीक कहता था, एक दिन कुछ समय कहने लगा अगर यह हादसा तुम्हारे साथ हुआ तो बात पछताओगे। ये कुछ तस्वीरें हैं जो पुलिस ने ली थी। मेरी बर्बादी की यादगार अब सिर्फ ये तस्वीरें ही रह गई। विजय, आज मैंने दो प्रतिज्ञा की है। प्रतिज्ञा? हाँ। क्या? पहली, मैं अमित की कसम खाकर कहता हूं इन क्रिमिनल्स का केस कभी नहीं लूंगा। दूसरी प्रतिज्ञा कि जब तक मैं अनु का बदला ना ले लूं चैन से नहीं जीऊंगा, नहीं जीऊंगा। सर। हाँ गणेश, क्या बात है? सर 10 बजे हैं, 10:30 बजे हाई कोर्ट में। मत नाम लो हाई कोर्ट कानून और इंसाफ का। मैं आपको एक मुकदमा नहीं लड़ूंगा। क्लाइंट्स के पैसे वापस दे दो, उनसे कह दो कि अपने केसेस किसी और बैरिस्टर को दे दें। मैं खाली नहीं हूं, मुझे अपना मुकदमा खुद लड़ना है, समझे? जैन साहब, आप? हाँ परेरा, मैंने सोचा तुम्हारे साथ बैठकर विस्की पीऊं। मेरे साथ? इंतजार कर रहा था इसलिए दो गिलास बनाए। लेकिन जैन साहब आप तो जानते हैं मैं पीते नहीं हो। कोई बात नहीं, साथ तो दे सकते हो। बैठो। विस्की मैं भी नहीं पीता परेरा, लेकिन बीवी की मौत के बाद घर में ची नहीं लगता, वक्त नहीं कटता, इसलिए हर शाम दोस्त की तलाश में निकल पड़ता हूं। तुम्हारे यहां आया हूं, तुम्हें कोई एतराज तो नहीं? अजी कैसी बातें करते हैं जैन साहब, शौक से पीजिए ना, मैं अभी आया। तुम उठोगे नहीं परेरा? अभी अभी कहा ना, अकेले बैठकर विस्की पीने को जी नहीं चाहता। बैठ जाओ। एक जमाने में मेरा निशाना बहुत अच्छा था, आज देखना चाहता हूं निशाना सही है या नहीं। जैन साहब आप डरो नहीं परेरा,
ये रिवॉल्वर तो मैंने अपने लिए निकाला है। दरअसल मैं खुदकुशी करना चाहता हूं। खुदकुशी? आप और मेरे घर में? हाँ परेरा, मेरे घर में एक छोटी सी बच्ची है ना, वो डर जाएगी। तुम्हारे लिए मेरी लाश को फिकवाना बाएं हाथ का खेल है, लेकिन फिर भी मैं नोट लिख कर जा रहा हूं। ये कलम और कागज पड़ा है, उठाओ इसे, लिखो। मैं अपनी जिंदगी से तंग आकर खुदकुशी कर रहा हूं। मेरी मौत का जिम्मेदार कोई नहीं होगा। जैन साहब, ये क्या मजाक है? खुदकुशी आप करें और हैंडराइटिंग मेरी? मैं खुद लिख देता परेरा, लेकिन मेरे दोनों हाथ खाली नहीं है। तुम लिखो, मैं दस्तखत कर दूंगा। लिखो परेरा, लिखो। मैं जिंदगी से तंग आकर खुदकुशी कर रहा हूं। चलो उठो, शाबाश, चलो। स्टूल पर खड़े हो जाओ। ये पन्ना, इस पंदे को अपने गले में डालो। आपका ये खेल मेरी समझ में नहीं आ रहा जैन साहब। ये खेल नहीं है परेरा। मेरी बीवी का रेप किसने किया? मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये सब आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? क्योंकि तुम्हें मालूम है कौन है वरामजादे। मैं कुछ नहीं जानता, मेरा यकीन कीजिए। मैं यकीन कर रहा हूं। तो फिर मैं नीचे आ जाऊं? नहीं नहीं, तुम कभी नीचे नहीं आओगे। नहीं, गुड बाय परेरा, गुड बाय। तुम्हें तो मालूम है गगन की तो हो गया। क्या हुआ? वो परेरा है ना। क्या हुआ परेरा को? मैं उसे लेने गया था। हाँ? दरवाजा खोला तो एकदम खुल गया। सामने देखा वो रस्सी के फंदे में लटका हुआ था। तो परेरा ने खुदकुशी कर ली। परेरा खुदकुशी क्यों करेगा? नहीं, जरूर किसी ने उसे मारकर रस्सी पर लटका दिया होगा। लेकिन वो मारने वाला है कौन? हेलो डॉक्टर साहब। हेलो जैन साहब। अरे प्रिया तो बहुत अच्छी लग रही है, क्यों डॉक्टर साहब? ऑफ कोर्स शी इज लुकिंग फाइन, लेकिन इससे टेंशन से बचना चाहिए। बेहतर होगा ये कुछ दिनों के लिए बाहर चली जाए। हाँ, इसमें दिक्कत की बात ही नहीं है, मैं तो कहता हूँ कल ही चली जाए। अच्छा तो मैं चलता हूँ। थैंक यू, बाय। देखो भाई, डॉक्टर साहब का सजेशन बहुत अच्छा है, मैं तो कहता हूँ कुछ दिनों के लिए घूमा। बिल्कुल, लेकिन आप सुबह सुबह कहाँ चले गए थे? मैं कुछ बहुत जरूरी काम से गया था। आओ ना, प्रिया के जाने का प्रोग्राम बनाते। कम कम। देखो दोस्त, एक काम करो। क्या? तुम प्रिया को लेकर किसी हिल स्टेशन पर चले जाओ। चले तो जाएंगे, लेकिन अगर आप भी चलते तो अच्छा रहता, आपके लिए भी चेंज हो जाता। क्या है कि वो नंदिता का स्कूल है और मुझे बहुत जरूरी काम है। तो ठीक है, हम लोग कल ही चले जाते हैं। गुड। कुछ याद आया प्रिया? ये वही होटल है जहां पहली बार आके रुके थे, और इत्तेफाक से कमरा भी वही है। हाँ विजय, आओ। सब कुछ वही है। सब कुछ वही है विजय, पर आज मैं वो नहीं हूं। यहां से भाभी को मैंने टेलीफोन किया था, और भाभी की याद आते ही वो दरिंदा। अब वो सब बातें भूल जाओ, तुम थकी हुई हो, थोड़ी देर आराम कर लो। कैबिन बांधो ना पापा। बांधो बेटा, जरा बैठो इधर। हरी काका। क्या बेटिया? आपने मेरे बैग बना दी? हाँ बेटिया रानी, ये देखो गाड़ी में रख के आओ। अच्छा, पापा क्या नहीं बन रहा है आपसे? नहीं बेटा, ये काम तो आपकी मम्मी क्या करती। मम्मी कब आएंगी पापा? आएंगी बेटा, कुछ दिनों में आएंगी।
आप तो हमेशा यही कहते हैं। आपसे मेरा रिबन भी नहीं बनता। मम्मी रात को कहानी सुनाती थी, वो भी कहीं नहीं सुनाता है। पिता अब स्कूल चलिए, आज के बाद हर रात हम आपको कहानी सुनाएंगे। ओके ओके किसी करो चलो। तब एक राजकुमारी को घोड़ा मिला और वो घोड़ा पंख वाला था। पापा हमने है ना पंख वाले घोड़े की कहानी बहुत बार सुनी, हमने कोई नई कहानी सुनाओ ना पापा। नई कहानी सुनेंगे? अच्छा हम आपको एक नई कहानी सुनाते हैं। एक थी राजकुमारी। राजकुमारी एक दिन जंगल में गई, वो पंछियों से बातें कर रही थी कि इतने में एक राक्षस दिखाई दिया उसे। वो राक्षस को देखकर डर गई, वो वहां से भागने लगी। राक्षस उसके पीछे भागने लगा। जयंत बाबू तुम्हें दर्द? मल्होत्रा को मिलने जा रहा था। पैदल? गाड़ी किधर है? रास्ते में खराब हो गई। अरे बड़ी मल्होत्रा तो घर में नहीं है, और अजीब बात है कि तुम खुद मल्होत्रा को मिलने जा रहा है। हाँ उस दिन बुरा भला कह दिया था, सोचा चलकर बोल दूं गलती होगी, दिल का मैल साफ हो जाएगा। जयंत साहब यू आर ए ग्रेट मैन, दिल का बहुत साफ आदमी है। चलो तुमको घर पे छोड़ दू। घर जाके क्या करूंगा, जब से बीवी की मौत हुई है घर में दिल ही नहीं लगता। तुम्हारे पास टाइम है? चलो चलते कहीं घूमते घूमते। अरे हमारे पास तो टाइम ही टाइम है। तू हमारे पास आए? नो नॉट एट ऑल, कम इन कम इन कम इन। डरो मत मीरचंदानी, खाई में गिरने का अभी वक्त नहीं है। उतरो। अरे बड़ी ये तो बड़ी सुनसान जगह है, अरे इधर क्यों लेके आया? मीरचंदानी ऐसी जगह पे ही तो पीने का मजा आएगा। बड़ी दारू? अरे जैन साहब मैं तो नई नई बातें देख रहा हूं कि तुमने पीना कब से शुरू किया। क्या करूं, तुम तो जानते हो ना कि मैं पहले नहीं पिया करता था, अब अकेला हो गया हूं ना, घर में जी नहीं लगता, इसलिए हर शाम दोस्त की तलाश में रहता हूं। वहां गया मल्होत्रा नहीं मिला, तुम मिल गए। चीयर्स। चीयर्स। बड़ी असली माल है, मजा आ गया। मजा तो अब आएगा। बड़ी बड़ी पिस्तौल क्यों निकाला? ये तो अपने लिए है, बीवी की मौत के बाद अकेलापन बर्दाश्त नहीं होता, इसलिए खुदकुशी करना चाहता। तुम इधर खुदकुशी करेगा? हाँ घर में बच्ची है ना, पिस्तौल की आवाज से डर जाएगी। तुम नहीं डरोगे? हाँ। मेरी लाश को इस खाई में फेंक कर तुम यहां से चले जाना। क्लास पर गाड़ी में बैठो। हाँ। मैं कहता हूं गाड़ी में बैठो। गाड़ी स्टार्ट करो, गियर में डालो। मीरचंदानी सामने खाई है और मेरे हाथ में पिस्तौल है, मौत दोनों तरफ है। बताओ मेरी बीवी का रेप किसने किया था?
तुम मुझसे क्यों पूछता भड़ी? क्योंकि तुम्हें मालूम है। मुझे कुछ नहीं मालूम, मुझे कुछ नहीं मालूम। तुम्हें मालूम है? अगर किसी ने याद रखा तो मैं उसकी जान लूंगा। जैसा मुझे छोड़ दो, मुझे कुछ नहीं मालूम, कुछ नहीं मालूम। ओ, बता दो, बता बता दो। नहीं, मेरे को कुछ नहीं मालूम, मुझे छोड़ दो, मेरे को छोड़ दो। मीरचंदानी, अब तुम गाड़ी चलाओगे? नहीं, यस नहीं। शांत कर। गुड बाय मिस्टर मीरचंदानी। आओ छोटी दीदी आओ, साथ तुमको देखेंगे ना तो बहुत खुश होंगे। भैया घर पे नहीं है क्या? नहीं, उनका तो आजकल कुछ पता ही नहीं रहता, ना जाने कहाँ चले जाते हैं। इतनी रात तक तो भैया बाहर कभी नहीं रहते थे। क्या बताएं छोटी दीदी, आप लोग आराम कीजिए, तब तक मैं खाना लगा दूं। नहीं नहीं हरी काका, खाना हम उन्हीं के साथ खाएंगे। ठीक है, तब शायद आज वो भी खाना खा लें। भैया आ गए। अरे भाई आ गए तुम दोनों। हाँ कैसी हो प्रिया? ठीक हूँ मैं, बिल्कुल ठीक हूँ। हाँ दैट्स गुड, दैट्स नाइस। बिल्कुल पहली वाली। अरे यार तुम खामखा पुलिस में चले गए, तुम्हें तो कहीं डॉक्टर वॉक्टर होना चाहिए था। मैं और क्या, देखो ना तुमने प्रिया को कैसे फर्स्ट क्लास बना दिया, बिल्कुल पहले की तरह। हाँ हो तो बिल्कुल फर्स्ट क्लास है। आप इतनी रात को कहाँ गए थे? मैं वो कोई खास काम नहीं था, निकल पड़ता हूँ कभी कभी अपना दिल बहलाने के लिए। क्यों विजय ठीक करता? हाँ बिल्कुल ठीक। आप आ गए? मम्मी को क्यों नहीं लेके आई? मम्मी को? पापा तो कह रहे थे कि मम्मी को लेके आएंगे, बताना क्यों नहीं लेके आई, बताना। बेटे हमारे पास आओ बेटे, देखो वो क्या है, बुआ जी थकी हुई आई है ना, इन्हें आराम करने दो, बहुत रात हो गई है। चलो हम तुम्हें सुलाएंगे, एक अच्छी सी कहानी भी सुनाएंगे। हाँ मैं इसे सुलाता हूँ। नहीं नहीं नहीं, ये एक्सीडेंट नहीं, मर्डर है, मर्डर। दुश्मन हमारे पीछे हाथ धोकर पड़ा हुआ है, पहले परेरा गया और अमीर चंदानी। अगर हमने फौरन अपने दुश्मन का पता नहीं लगाया तो हम सबकी जान खतरे में है। अरे भाई यही तो मैं भी कह रहा हूँ मल्होत्रा, लानत है रुस्तम जी आप लोगों पर, अभी तक मालूम नहीं कर सके वो कंपक तुल्लू का पट्टा कौन है। क्या करे सर, कातिल कोई सुराग ही नहीं छोड़ रहा। गगन फौरन पता लगाओ कि हमारे खिलाफ किसने सर उठाने की जरूरत की है, कोई हमारा अपना ही एजेंट तो नहीं? हो सकता है। अगर ऐसा है तो उसने शर्ती अपनी मौत को दावत दी है। रुस्तम दुबई में फोन करो और सुरेश से कहो कि फौरन यहां चला है। सलाम सर। सलाम। और कोई आया? रुस्तम जी आए। ठीक है चाबी मुझे दे दो और उनको जल्दी बुलाओ। अच्छा सर। ये लो। थैंक यू। तुम जा सकते हो। थैंक यू। उसे देख रहे हो? यस सर। ऐसे चला जा रहा जैसे कुछ हुआ ही नहीं। मिस्टर सुनिए, मैं कहता हूं रुक जाइए, रुक जाइए, रुक गई से स्टॉप इट।
प्लास्टर का नाटक करके भाग रहा था, प्लास्टर का नाटक करके भाग रहा था। ये जैकेट देखिए सर, कितनी भारी है। क्या इसके अंदर, क्या इसमें, बता बता, ले जाओ इसे। मेरे बेटे सुरेश को हथकड़ी लग गई और तुम वहां से बुलबुल की तरह भागा है। उस हरामखोर विजय को गोली से क्यों उड़ा दिया, बाकी सब कुछ मैं देख लेता। ओहो, चीखने चलाने से कोई फायदा नहीं मल्होत्रा, असल मुद्दा यह है कि सुरेश को किसी न किसी तरीके से बचाना है। अरे दूसरा कोई पुलिस ऑफिसर होता तो उसे पैसों से भी खरीद लेते, लेकिन ये हरामजादा विजय, हमारे सारे सबूत और केस पेपर उसके ताबे में है। एक बात समझ में आती है मल्होत्रा, इस वक्त हमें जयंत की बाह पकड़नी चाहिए, विजय जयंत का होने वाला बहनोई है। अगर जयंत इस वक्त हमारे काम आ जाए और सुरेश का केस अपने हाथों में ले ले तो विजय खुद बहुत ठंडा पड़ सकता है। तुम भी कभी कभी बच्चों वाली बातें करते हो गगन, जयंत का रवैया तो तुम अच्छी तरह से जानते हो। अरे यार, लेकिन कोशिश करने में क्या नुकसान है, क्या अर्ज है? सुरेश का केस मैं हरगिज़ नहीं लड़ूंगा। शर्म नहीं आती तुम लोगों को, क्या मुंह लेकर आए हो तुम लोग मेरे पास? जयंत साहब प्लीज, अगर सुरेश की जिंदगी पर दाग लग गया तो मैं कहीं का नहीं रहूंगा। मेरा इकलौता बेटा है, मेरी इज्जत मिट्टी में मिल जाए। इज्जत, इसी इज्जत की खातिर तो मैं भी तुम लोगों के पास आया था एक दिन, लेकिन तुम लोगों ने गिरगढ़ की तरह रंग बदल लिया, याद है? उस बात को भूल जाइए जयंत। भूल जाऊं अपनी बीवी की इज्जत और आबरू को? भूल जाओ, आई से गेट आउट ऑफ माय साइट कमीनो कुत्तो। इतने पत्थर दिल मत बनिए जयंत साहब, एक बात की तकलीफ को समझिए। एक सादा करोगे मल्होत्रा? जान तक देने को तैयार हूं। हम बड़े से बड़ा सौदा करने को तैयार हैं जयंत साहब, आप बोलिए तो सही। मुझे यकीन है कि तुम्हें मेरी बीवी के कातिल का नाम मालूम है, बस मुझे उस दरिंदे का नाम बता दो, मैं तुम्हारे बेटे का केस जी जान से लड़ूंगा। यकीन मानिए जयंत साहब, हमें उसके बारे में कुछ भी मालूम नहीं। इससे पहले मैं कुछ कर बैठूं, गेट आउट जयंत साहब। आई से गेट आउट। हाँ बेटा अभी चलते हैं, लेकिन आपने टिफिन विफिन ले लिया? हाँ ले लिया। चलो, आप लोग गए नहीं अभी तक, या धक्के मार के बाहर निकालूं? जी नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं होगी। नमस्कार। जैन स्पीकिंग। हेलो, कौन मल्होत्रा? जनाब, मैंने तुमसे कह दिया था ना कि मैं तुम्हारा केस नहीं लड़ सकता हूँ, फिर भी? जयंत साहब, मैं अपने लिए नहीं बल्कि आपकी प्यारी बेटी नंदिता के लिए फोन कर रहा हूँ। What do you mean? मैं ये बता देना चाहता हूँ कि आपकी बेटी स्कूल में नहीं बल्कि मेरे पास है। और हिफाजत से? क्या बक रहे हो तुम? मैं बक नहीं रहा हूँ बल्कि अर्ज कर रहा हूँ कि आप उसके लिए बिल्कुल परेशान मत होइए। ओके, हेलो हेलो, देखते हैं अब वो करता क्या है। अरे अब वो करेगा क्या, नंगा नहाएगा क्या, नचोड़ेगा क्या, बाजी अपने हाथ में है। कमीने, आ गया ना अपनी जात पर। कुत्ते, पता नंदिता कहाँ है? बोल बोल। अरे पकड़े पकड़े सलाम जाने को, हटा इसे। पता नंदिता कहाँ है, मैं तेरा खून पी जाऊंगा, पता। अरे अरे जयंत बाबू, होश में रहो वरना इस बेहोशी की दवा भी कर देंगे। मैं पूछता हूँ नंदिता कहाँ है। परखुरदार, वो मेरे कब्जे में है। किडनैपिंग के केस में मैं तुझे जेल भिजवा सकता हूँ। तुम जानते हो कि मुझे जेल भिजवाने से पहले तुम्हारी बेटी की लाश तुम्हें भिजवा दी जाएगी। अगर मेरी बच्ची को कुछ हुआ तो मैं तेरा खून पीछूंगा। ओहो, ज्यादा भड़कने की जरूरत नहीं है जयंत बाबू, सीधे सीधे सुनो। उस दिन तुम सौदा कर रहे थे, आज हम सौदा करने को तैयार हैं, बस। क्यों, ठीक बोला ना मैंने? तुम सुरेश को छुड़वा दो, मैं तुम्हारी बेटी को छोड़ देता हूँ। बोलो, है सौदा मंजूर? नहीं नहीं जयंत, हम दोनों अपनी अपनी जगह पर मजबूर हैं, मैं अपने बेटे के लिए और तुम। अगर तुम सचमुच अपनी बेटी को प्यार करते हो तो मेरी शर्त मंजूर कर लो। छी 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 छी, कैसे बाप हो तुम? अरे बाप तो अपनी औलाद के प्यार के लिए क्या क्या कुछ नहीं करते, बेचारे मल्होत्रा को देखो, और तुम अपनी बेटी के प्यार के लिए इतना कुछ नहीं कर सकते। छी छी छी, बड़े अफसोस की बात है। छी 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 छी, प्लीज। लेकिन तुम कमीनों का क्या भरोसा है, और इस बात का क्या सबूत है कि मेरी बेटी तुम्हारे पास है और वो सही सलामत है? सबूत,
तुम सबूत चाहते हो ना? ठहरो। कौन कालू? छोटी बच्ची को फोन पे बुलाओ। लीजिए साहब, अपनी बच्ची से बात कीजिए। हाँ बेटे, मैं तुम्हारे पापा बोल रहा हूँ। पापा मुझे यहाँ से ले चलो, पापा मुझे यहाँ से ले चलो। हाँ बेटे हाँ, बहुत जल्दी मैं ले चलेंगे तुम्हें। जल्दी आओ पापा, जल्दी आओ पापा। हाँ हाँ बेटा, देखो तुम्हारी बुआ को छोड़कर हम जल्दी लेने। हाँ, मैं ये केस लड़ूंगा। नंदिता कहाँ है? उसे स्कूल से नहीं ले आए? नंदिता वो नासिक छोड़ आया उसकी नानी के यहाँ। माजी का फोन आया था, तबीयत ठीक नहीं थी, उसे देखना चाहती थी। ओह, आंटी जी की तबीयत बहुत खराब तो नहीं? नहीं नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। नहीं। हेलो भैया। हाँ, एक बड़ी खुशखबरी लाया हूँ। वो मल्होत्रा है ना, उसके बेटे सुरेश को मैंने अरेस्ट कर लिया स्मगलिंग केस में। मुबारक हो। क्या बात है, आप कुछ परेशान से लग रहे हैं। परेशान? नहीं नहीं, तो थोड़ा थक गया हूँ ना, जाकर थोड़ा आराम करता हूँ। कल कोर्ट में बहुत बड़ा केस है। योर ऑनर, मिस्टर सुरेश मल्होत्रा के खिलाफ पहला इल्जाम यह है कि उन्होंने प्लास्टर चढ़ाकर कस्टम वालों की सिंपति दया जीतने की कोशिश की। हालांकि सारी दुनिया जानती है कि कस्टम वाले कितने चुस्त, कितने तेज, कितने पक्के हैं अपनी ड्यूटी के। कहने का मतलब यह है योर ऑनर, मिस्टर सुरेश मल्होत्रा कस्टम वालों की दया जीत कर नहीं, बल्कि एक सही पैसेंजर होने के नाते वहां से निकले और इनके पास कोई भी गैर कानूनी चीज नहीं थी। इन पर यह इल्जाम भी लगाया गया है कि ये नकली प्लास्टर चढ़ाकर आए हैं, जिसके लिए दुबई के डॉक्टर की मेडिकल रिपोर्ट हाजिर है। इस मेडिकल रिपोर्ट से साफ जाहिर है कि बाथरूम में स्लिप होने के कारण टांग की हड्डी पर चोट आई, अचानक हिंदुस्तान आना पड़ा, इसलिए डॉक्टर ने प्लास्टर चढ़ाना बहुत जरूरी समझा। दूसरा इल्जाम यह है योर ऑनर, जब इंस्पेक्टर साहब ने आवाज दी, ये गाड़ी लेकर भागने की कोशिश कर रहे थे। हुआ यू योर ऑनर, जब इंस्पेक्टर साहब ने आवाज दी, ये अपनी एयर कंडीशन गाड़ी में बैठ चुके थे, और जब एक आदमी एयर कंडीशन गाड़ी में बैठता है तो बाहर की आवाज उसे सुनाई नहीं देती। सेम थिंग हैपेंड विद हिम योर ऑनर, इन्होंने इंस्पेक्टर की आवाज नहीं सुनी, इनके भागने का कोई इरादा नहीं था योर ऑनर। तीसरा इल्जाम योर ऑनर, सिपाही को कुचल देने का है। सुरेश मल्होत्रा साहब फॉरेन कंट्रीज में गाड़ी चलाते हैं, कई रेसों में उन्होंने हिस्सा भी लिया है, और फास्ट गाड़ी चलाने की इनकी बुरी आदत है। फॉरेन कंट्रीज में गाड़ी चलाने के सबूत के तौर पर मैं इनका ये इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस पेश करना चाहता हूं। लेकिन योर ऑनर, इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस होने का मतलब ये तो नहीं कि पुलिस के सिपाही पर गाड़ी चढ़ा दी जाए। मुल्जिम ने जानबूझकर सिपाही को कुचलने की कोशिश की थी ताकि वो फरार हो सके। फरार? योर ऑनर, योर ऑनर, ये एक्सीडेंट जानबूझकर किया गया था। नेवर योर ऑनर, जानबूझकर नहीं बल्कि इत्तेफाक है। सिपाही के बदले अगर कोई दूसरा आदमी भी होता तो कुचल जाता। पांव पर प्लास्टर था, इसलिए वक्त पर ब्रेक नहीं लगी, गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल हो गई। एक्सीडेंट इज एन एक्सीडेंट योर ऑनर, फरार होने का इल्जाम बेबुनियाद है। ये गलत है योर ऑनर, क्योंकि मुल्जिम के पास सोने से भरा हुआ जैकेट था, इसलिए सिपाही की जान की परवाह ना करते हुए वो फरार हो जाना चाहता था। जी नहीं योर ऑनर, जैकेट इनके पास नहीं बल्कि गाड़ी के पिछली सीट पर था। एम आई राइट इंस्पेक्टर? यस, लेकिन वो गाड़ी ड्राइवर लाया था एयरपोर्ट पे। एम आई राइट? यस, लेकिन जब मैंने गाड़ी पकड़ी तो उस वक्त गाड़ी में सिर्फ मुल्जिम था। उससे क्या होता, हो सकता है कि जैकेट पहले से ही गाड़ी की पिछली सीट पर हो। योर ऑनर, मिस्टर मल्होत्रा अगर पहले से ही वो जैकेट पहनकर आए होते तो कस्टम वाले उनकी तलाशी लेते और वहीं पर गिरफ्तार कर लेते। मैं तो पुलिस से ये दरख्वास्त करूंगा कि जैकेट के असली मालिक का पता लगाया जाए ताकि मैं अपने क्लाइंट को इस इल्जाम से बरी कर सकूं। अरे ये आप कैसी बात कर रहे हैं जायंत साहब? प्रोसिक्यूटर साहब, आपको मालूम होना चाहिए स्मगलर्स का पता लगाना हमारा काम नहीं बल्कि पुलिस का काम है। योर ऑनर, मिस्टर सुरेश मल्होत्रा इज्जतदार और अमन पसंद नागरिक है। इनके पिता मिस्टर मूलचंद मल्होत्रा इस शहर के बहुत बड़े बिजनेसमैन है। जो इल्जाम शक की बुनियाद पर लगाया गया है, मैं चाहूंगा कि उसे रद्द कर दिया जाए और इन्हें बिना किसी शर्त के बरी कर दिया जाए। यह कैसे हो सकता है योर ऑनर? जब तक सबूत वेरीफाई नहीं हो जाते और अदालत किसी नतीजे पर नहीं पहुंचती, मुल्जिम को कैसे बरी किया जा सकता है? और फैक्ट्स को वेरीफाई करने में वक्त लगेगा।
योर ऑनर, वक्त लगता है तो लगने दीजिए, हमें कोई एतराज नहीं है। इन्होंने कोई जुर्म नहीं किया है, इसलिए हमें किसी बात का डर नहीं। मैं अदालत से दरख्वास्त करूंगा कि इनको जमानत पर छोड़ दिया जाए और उसके लिए जितनी भी रकम लगे हमारा क्लाइंट भरने के लिए तैयार है। वारदात के सारे हालात और दोनों तरफ की बहस सुनने के बाद अदालत सुरेश मल्होत्रा को 2,00,000 रुपए की जमानत पर रिहा करना मंजूर करती है। थाने चलिए। सर, सर वो जी वो लोग चले गए। जी कहाँ गए? मल्होत्रा, तुम कहाँ गायब हो गए थे? मैं नंदिता को लेना आ रहा हूँ। तुमने मुझे वादा किया था कि सुरेश के छूटते ही तुम नंदिता को वापस कर दोगे। जैन साहब, सुरेश सिर्फ जमानत पे छूटा है, अभी तो पूरा मुकदमा बाकी पड़ा है। मल्होत्रा, चिल्लाने की कोई जरूरत नहीं। जिस दिन सुरेश का केस खत्म हो जाएगा, आपकी बेटी आपको सही सलामत वापस मिल जाएगी। मल्होत्रा, मैं अभी तुम्हारे पास आ रहा हूँ। आई एम जस्ट कमिंग टू यू नाउ। नो सॉरी, अभी तो मैं बहुत बिजी हूँ। हाँ, शाम को मिल सकते हैं। इत्तेफाक से सुरेश का जन्मदिन भी आज है। उसके रिहा होने और जन्मदिन की खुशी में एक छोटी सी पार्टी है, तो आज रात हमारे जूहू वाले बंगले पे आ जाओ, वहां बातचीत भी हो जाएगी। ओके, बाय। मल्होत्रा, मल्होत्रा, मल्होत्रा। बात है भैया, तबीयत तो ठीक है ना? तबीयत हाँ ठीक है, लेकिन नंदिता भी तो नानी के यहाँ से नहीं आई। हाँ रुकी होगी, आ जाएगी। वो आ जाती तो आपका मन लगा रहता। हाँ मन तो लगा रहता है। मैं नासिक फोन नहीं, नासिक फोन नहीं करना, फोन नहीं चल रहा है, फोन खराब है। मैं आपके लिए चाय बनाऊं? हाँ चाय बनाओ। प्रिया, प्रिया। ओह, तो आप यहां बैठे हैं। मैं प्रिया को दिखाना चाहता हूं कि आपके और सुरेश के कितने चर्चे हो रहे हैं। अखबारों में तस्वीरें छप रही हैं, क्या शोहरत मिल रही है, वाह। कहना तो नहीं चाहिए लेकिन लानत है ऐसी शोहरत। लानत है ऐसी शोहरत पर। हाँ तुमने ठीक कहा कि लानत है ऐसी शोहरत पर, लेकिन तुमने मुझसे यह नहीं पूछा कि ऐसा मैंने क्यों किया। अरे मैं मजबूर था। मजबूर एक बैरिस्टर की हैसियत से नहीं बल्कि एक बाप की हैसियत से। मजबूर? क्या मजबूरी, कैसी मजबूरी? वो नंदिता, वो नंदिता। क्या हुआ नंदिता को? चुप क्यों है बताइए ना। मल्होत्रा ने उसे किडनैप कर लिया। किडनैप कर लिया? हाँ, उसने मुझसे सौदा किया। उसने कहा कि अगर मैं सुरेश का केस लड़ूंगा तो वो नंदिता मुझे वापस कर देगा, लेकिन उसने मेरे साथ धोखा किया है। आपने मुझे ये सब कुछ पहले क्यों नहीं बताया? मैं क्या कुछ कह गया आपको, मुझे माफ कर दीजिए। नहीं ए सुन, प्रिया से कुछ नहीं कहना, उसे कुछ नहीं मालूम, वो बेचारी सह नहीं सकेगी। हाँ प्लीज, आई अंडरस्टैंड। अरे विजय, तुम भी आ गए, बैठो चाय पी के जाओ। नहीं, हमें चलना चाहिए।
हाँ चाय पीकर जाएंगे ना, चाय पीकर जाएंगे। क्या हुआ भैया, क्या हुआ, क्या हुआ भैया? हाँ वो दरिंदा भैया। क्या दरिंदा? क्या भैया? भैया जितने जितने भाभी को और मुझे, भाभी को भाभी को और मुझे, वही है वो, वही है वो, वही है भैया वो, वही है वही है वो, वही है। सुरेश। हाँ भैया। हाँ भैया। मेरी बर्बादी का जिम्मेदार भाभी को और मुझे। प्रिया मैं हाँ? मैं इन दरिंदों को ठिकाने लगाता हूँ, मैं जा रहा हूँ। नहीं नहीं, तुम जाके तो वो नंदिता को खत्म कर देंगे। ये मामला मेरी इज्जत और अन्नू की भटकती हुई आत्मा और मेरी बच्ची का है। तुम प्रिया का ख्याल रखो, मुझे अपना हिसाब खुद चुका लेने दो। प्रिया। हरि काका, हरि काका। क्या हुआ विजय बाबू? जरा जरा डॉक्टर को फोन करो। अच्छा। प्रिया, प्रिया अनु, मुझे वो दरिंदा मिल गया है। हाँ Thank you.
उल्लू का पट्टा ले गया लौंडा। और बेटा किसका है? व्हाट ए प्लेजेंट सरप्राइज जयंत साहब। आइए आइए जयंत बाबू, आइए ना। मैंने सोचा मल्होत्रा आपस के झगड़े से क्या फायदा, आज इस खुशी के मौके पर हम भी शामिल हो जाते हैं। बिल्कुल ठीक सोचा आपने जयंत बाबू, क्यों ठीक बोला ना। यकीन मानिए आपके आने से हमें बहुत खुशी हासिल हुई है। मुझे देखिए ना आज की पार्टी में कितने खास खास लोग आए हैं। देखिए। अरे हाँ, यहाँ तो सभी पुराने दोस्त मौजूद हैं। हाँ मिस्टर चिदम्बरम, मिस्टर शेष सिंह, मिस्टर अलीजा एंड मिस्टर पापा। सर इतना बरस बाद भी आपने हमको पहचान लिया जयंत साहब। भला मैं आप लोगों को कैसे भूल सकता हूँ, मैंने तो आप सबको कानून के फंदे से बचाया था ना। जयंत साहब अगर आपने हमें न बचाया होता तो हम लोग जेल में चक्की पीस रहे होते या फिर हम इस दुनिया से ही उठ गए होते। ये तो अच्छा हुआ आप सबसे एक साथ यहीं पर मुलाकात होंगी। हे वेयर इज द बर्थडे बॉय, बुलाओ भाई। बताता ही होगा जयंत बाबू, आज ही तो पैदा हुआ। अरे भाई रुस्तम, जल्दी से बुला के लाओ ना उसे। तब तक आप भी शौक फरमाइए। अरे भाई जयंत साहब के लिए जल्दी से कुछ बिस्किट पिलाओ। अरे गगन जयंत साहब को जूस पिलाओ ना, ये विस्की कहाँ पीते हैं? नहीं मल्होत्रा, पीने लग गया हूँ। जब से बीवी नहीं रही बहुत अकेला हो गया हूँ, किसी भी चीज में मन नहीं लगता, इसलिए दोस्तों की कंपनी में पीने लग गया हूँ। चीयर्स। लीजिए साहब, सुरेश जी आ गए। हाय सुरेश। अरे जयंत साहब, हमारे वो भाग्य जो आप यहाँ पधारे। जन्मदिन मुबारक हो सुरेश। थैंक यू। इस खुशी के मौके पर हमारे हाथ से घूट नहीं पियोगे? श्योर श्योर। ये क्या बदतमीजी है? ये बदतमीजी नहीं है मल्होत्रा, ये तुम लोगों की कमीनगी का जवाब है। मुझे मेरी नंदिता वापस करो, नहीं तो ये गोली इसके आर पार होगी। ठीक है, तुम्हारी बच्ची तुम्हें वापस मिल जाएगी, मैं अभी लेकर आता हूँ। तुम कहीं नहीं जाओगे मल्होत्रा। ओके नौचंदी। सर इनकी बच्ची को यहाँ ले आओ। यस सर। लेकिन उसे यहाँ पहुंचने में कुछ वक्त लगेगा। मैं इंतजार करूंगा, तब तक तुम्हारा बेटा मेरी हिरासत में रहेगा। अपने कुत्तों से कह दे पटाखे ना चलाएं, बंदूकें फेंक दें, वरना खून की होली में रंग दूंगा सबको। गार्ड्स, कोई फायर नहीं करेगा। ये सब क्या है? घूम जाओ। इस रस्सी को चूमर के साथ लटकाओ। क्या लटकाओ? पहनो। पहनो। क्या करो? दूसरा हाथ पीछे लाओ। ये क्या कर रहे हो? दूसरा हाथ पीछे लाओ मैंने कहा। चल खड़ा हो जावा। जयंत, ये मत भूलो कि तुम्हारी प्यारी बच्ची अभी तक हमारे कब्जे में है। अगर तुमने कोई धोखा किया तो तुम्हारा ये लाडला मारा जाएगा। लेकिन ये क्या है माकत है? ये तो यही तो बाप अपने बेटे के प्यार के लिए क्या कुछ नहीं करता हरामजादे, ये बात मल्होत्रा को समझा दे। नंदिता पापा आओ बेटा हमारे पास आओ। पापा मुझे यहाँ से ले चले।
मल्होत्रा, नंदिता को छोड़ दो। पहले तुम सुरेश को छोड़ो। जब तक नंदिता मेरे पास नहीं आती है, मैं सुरेश को आजाद नहीं करूंगा। पापा, मुझे यहाँ से ले चलिए पापा। मल्होत्रा, मल्होत्रा, मैं तुझे आखिरी बार कहता हूँ, नंदिता को छोड़ दो। हाँ बेटे, हाँ बेटे, रोते नहीं बेटे, हम आपको बहुत जल्दी घर लेकर चलेंगे। आप एक काम कीजिए, यहाँ बैठिए। हाँ, यहाँ बैठ जाइए। चलो बैठ जाओ। जयंत, तुम्हारी बेटी तुम्हें मिल गई है, अब तो सुरेश को छोड़ो। मल्होत्रा, आज तेरे बेटे का जन्मदिन है, उसे खास तोहफा दिए बगैर थोड़ी छोड़ सकता हूँ। हाँ देख, हरामजादे, देख इन तस्वीरों को। नहीं, ये मल्होत्रा, ये ले, तू भी देख ये तस्वीरें, ये तस्वीरें मेरी जिंदगी पर इसके खूनी पंजों के निशान है। तू सब कुछ जानते हुए भी इसे बचाने की कोशिश कर रहा था ना, और आज आज ये मेरी बीवी की इज्जत और तेरी दगाबाजी की कीमत चुकाएगा। नहीं जयंत, नहीं, ऐसा नहीं करना, मेरा एक लौता बेटा है, इसे छोड़ दो। छोड़ दूँ हाँ? अरे जिस तरह मैंने अपनी बीवी की लटकती हुई लाश को देखा है, उसी तरह मैं तुम्हारे बेटे की लटकती हुई लाश तुम्हें दिखाना चाहता हूँ, ताकि तुम्हें यह पता चले कि किसी का घर बर्बाद करने की सजा क्या होती है। नहीं जयंत, नहीं। हाँ मल्होत्रा, हाँ, मैं तुम जैसे दरिंदों को अच्छी तरह जानता हूँ, क्योंकि मैंने ही अपनी अकल और कानून की दलीलों से तुम लोगों को बचाया, इसलिए इसलिए तुम्हारी जान पर हक सिर्फ मेरा बनता है, सिर्फ मेरा बनता है। इससे पहले कि मैं सुरेश को सजा दूं, मैं तुम लोगों को तुम्हारी सजा सुना देना चाहता हूं, और तुम लोगों की सजा है, तुम लोगों की सजा है सजाए मौत। मल्होत्रा, अगर तू अपने बेटे को आखिरी बार देखना चाहता है तो बाहर निकल। अरे निकल। जयंत, तू चाहे तो मुझे मार दे, लेकिन मेरे बेटे को छोड़ दे, प्लीज। छोड़ दूं? कैसे छोड़ दूं? याद कर उस मंजर को जब तुम्हारे आदमियों ने मेरे दोस्त अमित को छत से गिराया था। अरे याद कर उस मंजर को जब तुम्हारे बेटे ने मेरी पत्नी की इज्जत लूटी थी। और अब अपने बेटे की लटकती हुई लाश का आखिरी मंजर देख। बेटा, देखा मल्होत्रा, फांसी पे लटकी हुई लाश किस तरह लगती है। योर ऑनर, इस अदालत में मैंने सैकड़ों केस लड़े हैं, कानून की आंखों में झूठी दलीलों की धूल झोंक कर ना जाने कितने कातिलों को बेदाग छुड़ा कर ले गया हूं मैं। तब मुझे यह नहीं मालूम था कि एक कातिल छूटकर 10 कत्ल करेगा, एक डाकू छूटकर 10 डाकुओं को जन्म देगा, एक स्मगलर छूटकर 10 स्मगलर्स को पैदा करेगा। तब मुझे महसूस हुआ, योर ऑनर, मैंने कितना बड़ा गुनाह किया है, कितना बड़ा पाप किया है। इसलिए ये ऑनर, जिन दरिंदों को मैंने बढ़ावा दिया था, उन्हें खुद मैंने अपने हाथों से खत्म कर दिया, हमेशा हमेशा के लिए मिटा दिया। आज मैं अपने वकील भाइयों और बैरिस्टरों तक अपनी ये आवाज पहुंचा देना चाहता हूं कि अपने पेशे की शान को बरकरार रखते हुए समाज की जिम्मेदारियों को भी समझें।
योर ऑनर, मैंने गुनाह किया है और मैं इस गुनाह से वाकिफ हूं, और मैं ये भी जानता हूं कि इस गुनाह की क्या सजा मिलनी चाहिए, और उस सजा के लिए मैं तैयार हूं, उस सजा के लिए मैं तैयार हूं योर ऑनर। ताजीरात हिंदी दफा 302 के तहत जयंत कुमार वल्दे अश्विनी कुमार को सजाए मौत दी जाती है। Ha ha ha!